स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंटिन्यू प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने अभी तक पाषाण काल उसके बाद में सिंधु सभ्यता और कल ही हम लोगों ने वैदिक युग के संपूर्ण इतिहास को कंप्लीट किया है आप लोगों को पीडीएफ भी मिल गया होगा उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज महाजनपद युग के इतिहास को पढ़ेंगे जैसे कल के उत्तर वैदिक युग में और ऋग वैदिक युग में आप लोगों ने जन देखा और जनपद देखा और अब आगे बढ़ रहे हैं हम महाजनपद पे आ चुके हैं तो क्रमशः हम लोग राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं वैदिक युग या प्राचीन भारत में तो आगे बढ़ ही रहे हैं तो स्वागत है सभी का आज की क्लास में सभी को गुड इवनिंग हमारी तरफ से चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ये अन एकडमी का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको देश के जो टॉप मोस्ट के एजुकेटरों की टीम है या एक्सपर्ट की टीम है उनका आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता है इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो तेरह तारीख को आने वाली तेरह तारीख को यहाँ पे सिविल सर्विस चैंपियनशिप का टेस्ट होने जा रहा है इस टेस्ट में आप लोग भागीदारी कीजिएगा यह टेस्ट सुबह में ग्यारह बजे से यह टेस्ट सुबह में दस बजे से यह टेस्ट हो रहा है और दस से बारह बजे के बीच में होगा आपका जब इसमें बेहतर बेहतर प्रदर्शन रहेगा तो जो एक तरीके से सिविल सेवक हैं उनका आप लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा ये आई हैं आई भी इसमें हैं आई भी शामिल है इसके अलावा अन एकेडमी की तरफ से आप लोगों के यू या आई एस आई बनने का जो सपना है उसको आ, साकार हो इसलिए अन एकेडमी ने व्यवस्था की है यहाँ पे यू के परिपेक्ष में लोन लेके यहाँ पे अध्ययन आप लोग कर सकते हैं बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के बिना किसी इंटरेस्ट चार्ज के ये दो घंटे में लोन लोन जो है यहाँ पे ये आपका अप्रूवल इसका हो जाता है किसी को अगर यहाँ पे कोई भी पेपर वर्क नॉमिनल पेपर वर्क भी यहाँ पे है कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड पेपर वर्क है नॉमिनल पेपर वर्क है ऑनलाइन ही होता है सारा प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पे सबक्रिप्शन लेने पे आपको अन एकेडमी की तरफ से 20 बुक दी जा रही है जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है इसके अलावा यहाँ पे एक तरीके से आप लोगों के बीच में कम्बो पैक है और ये कम्बो पैक आप लोगों को आप लोगों के बीच में लाया है जो फीस है उसमें पैंतीस की कटौती है पच्चीस प्रतिशत की फीस ये कटौती हो रही है और दस प्रतिशत की फीस यहाँ पे ये ऑप्शनल में और हम लोगों का जो यहाँ पे रेफरल कोड है इसको यूज करने के माध्यम से आपको दस प्रतिशत फीस में कटौती हो रही है तो ये हमारा रेफरल कोड हमारा नाम ही है उस आंख में थोड़ा सा समय लग रहा है मुश्किल से दस सेकंड का तो यहां पे जैसे सामान्य अध्ययन और ऑप्शनल पेपर का पहले जो फीस होती थी कंप्लीट वन ईयर की वो सतहत्तर हजार रुपए की होती थी अब सत्तावन हजार पांच सौ रुपए की होती इसके अलावा आइकोनिक जीएस और ऑप्शनल पेपर की जो पहले फीस होती थी वो एक लाख दो हजार रुपए होती थी अब छिहत्तर हजार पांच सौ रुपए तो ये भारी भरकम छूट है लेकिन आप लोगों के बीच में यह छूट नाइन्थ जून तक ही है ध्यान रखिएगा थ ऑफ जून तक है तो इसके पहले आप लोग सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं कोई अगर लोन के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आज आठ है कल नौ है लेकिन प्रोसेस में अगर आप लोग आ जाएंगे उस पर क्लिक हो जाएगा तो ई इसके माध्यम से आपको ये मिल सकता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उससे यहाँ पे दो प्रकार का कोर्स है एक प्लस कोर्स है एक आइकॉनिक कोर्स है दोनों की जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। प्लस कोर्स आपको 6, 12, 24 और 36 महीने के रूप में मिल रहा है यहां पे कोस्टक में सब्सक्रिप्शंस लेते समय रेफरल कोड का मेंशन करना होगा हमारा रेफरल कोड है एस ए एन जे डबल ई वी इसे आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो भी फीस है उसमें दस प्रतिशत की छूट आपको मिल रही है इसके अलावा आइकोनिक कोर्स है बहुत ही फाउंडेशन प्रकार का कोर्स है ये ये बारह महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने इसमें बिल्कुल बेसिक से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का सामान्य अध्ययन का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है तो इसका सब्सक्रिप्शन लेते समय भी आप लोग हमारे रेफरल कोड का यहाँ पे मेंशन करें एस ए एन जे डबल ई बी इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आपको 10 प्रतिशत फीस में कटौती मिलेगी जो न्यूली स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सब क्रिप्सन्स काफ़ी उपयोगी होगा क्योंकि इसमें बेसिक से खास करके जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुके हैं वो तैयारी करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं फिर भी कुछ नहीं पढ़ाए तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे एडवांस की तरफ आगे बढ़ा जाता है और कंप्लीट प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का यहाँ पे अध्ययन करवाया जाता है यहाँ पे नाइन्थ ऑफ जून से कई प्रकार के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इसमें कंप्लीट वन ईयर का यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है और कंप्लीट टू ईयर का जीएस का यूपीएससी सीएससी का फाउंडेशन बैच है इन दोनों बैचों में ये न्यूली बैच है ये फ्रेश बैच है इनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ये बैचेस कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं तो एक बेहतर मौका है और मैं आप लोगों को बता दू कि यही वो समय है जहाँ पे एडमिशन या सब्सक्रिप्स आप लोगों को लेना चाहिए अधिकतर जून का जो माह का सेशन रहता है यही बहुत उपयोगी होता है यही एक तरीके से पढ़ाई का बेहतर समय भी होता है यही सेशन होता है तो यह अच्छा समय है इस समय सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं कंप्लीट वन और टू ईयर का जीएस का बैच है यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज है और अनएकेडमिक काम बैट है इसमें आप लोग भाग ले सकते हैं इसका टेस्ट जो होता है वो एवरी संडे को सुबह ग्यारह बजे होता है प्रत्येक संडे को सुबह ग्यारह बजे इसका टेस्ट होता है और यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट होता है और साठ प्रश्न होते हैं साठ मिनट समय दिया जाता है और स्कॉलरशिप इस इसमें आपको मिलती है तो और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये टेस्ट अवेलेबल है ठीक ये हिंदी और अंग्रेजी आप लोग हमारे बारे में भी जान सकते हैं और यहाँ पे आप लोग अन एकेडमी हिस्ट्री बाइज संजीव पांडे के नाम से सर्च करके आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए अब शुरुआत करते हैं हम तो महाजनपद युग के इतिहास का अध्ययन करेंगे किसके इतिहास का अध्ययन करेंगे महाजनपद युग के इतिहास का अध्ययन करेंगे आप लोगों के साथ में बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे और एक बात और आपको बता देता हूं यह अध्ययन चाहे स्टेट कमीशन का एग्जाम आप लोग दे रहे हो स्टेट कमीशन के एग्जाम के अलावा चाहे यूपीएससी का आप एग्जाम दे मतलब एक तरीके से स्टेट पीसीएस और यूपीएससी यूपीएससी मुख्यतया फोकस यहां पे किया जाता है ठीक है ना तो यूपीएससी को टारगेट करके हम चलते हैं लेकिन कोई भी कमीशन जो स्टेट कमीशन है उसका भी एग्जाम आप लोग देते हैं तो वह भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है वह भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आप लोग निश्चिंत रहिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ महाजनपद युग के इतिहास का अध्ययन करते हैं <coughs> तो महाजनपद युग में आखिर हम लोग किन किन बातों का अध्ययन करेंगे सबसे पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है तो आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे तो कहीं भी आपको महाजनपद युग के इतिहास को पढ़ने को मिल जाता है महाजनपद युग में कुल 16 महाजनपदों के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं कौन सा महाजनपद कहाँ स्थित है उसकी लोकेशन क्या है उसकी कैपिटल क्या है वहां कौन राजा हुआ उस राजा ने कौन से युद्ध किए और उसके राज्य की जो लोकेशन है जो स्थिति है उसके ऊपर कौन कैसे अटैक कर रहा है किस परिस्थिति में अटैक कर रहा है उसका अपना मूल्य क्या है उसका अपना योगदान क्या है उस राज्य की विशेष स्थिति क्या है क्या वहां लोहा पाया जाता है क्या वहां घोड़े पाए जाते हैं क्या वहां चांदी पाई जाती है क्या वो आंतरिक व्यापार करते हैं या विदेशी व्यापार भी करते हैं तो यह अध्ययन बिल्कुल अलग होगा बिल्कुल नए अंदाज में होगा बिल्कुल नए अंदाज में यह अध्ययन होगा चलिए बिल्कुल शुरुआत करते हैं बेसिक से महाजनपद युग आज हम लोग महाजनपद युग के इतिहास का अध्ययन करेंगे ये जो महाजनपद युग है और इसके बाद में कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में यही हम लोग आगे बढ़ेंगे आज महाजनपद युग को पढ़ेंगे और कल मगध का उत्कर्ष या मगध का उदय और विकास के इतिहास को पढ़ेंगे कल चार बजे की क्लास मगध के उत्कर्ष की होगी तो आज हम लोग महाजनपद युग को पढ़ेंगे तो महाजनपद युग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपके लिए सर्वप्रथम रखे हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले इन उपयोगी तथ्यों को पढ़ते हैं उसके बाद में हम लोग एक एक महाजनपदों का अध्ययन करेंगे तो यहां पे लिखा है कि ये जो महाजनपद हैं महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ में मिलता है यानी कई ग्रंथों में महाजनपद का उल्लेख मिलता है और महाजनपदों का उल्लेख रिलीजियस साहित्य यानी धार्मिक साहित्य में भी मिलता है और धर्म निरपेक्ष साहित्य में भी मिलता है तो धार्मिक साहित्य में जैन ग्रंथ आते हैं बौद्ध ग्रंथ आते हैं जैन ग्रंथ आपके सामने है और उसका नाम है भगवती सूत्र ध्यान रखिएगा ये यूपीएससी में खूब पूछा जाता है और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न पूछा गया है तो वो दोबारा नहीं पूछा जाएगा दोबारा मान लो उसको सूची के रूप में पूछ लेगा कथन कारण के रूप में यूपीएससी पूछ लेगा प्रश्न वही रहेगा पूछने का तरीका और भाव बदल जाता है यूपीएससी का तो भगवती सूत्र है ये जैन ग्रंथ है और इस जैन ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अब जैसे ही हम लोग मगध के उत्कर्ष का इतिहास पढ़ लेंगे या मगध का इतिहास पढ़ लेंगे तो उसके बाद की जो क्लास आएगी वो बुद्धिज्म और जैनिज्म की ही आएगी तो उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म को हम लोग व्यापक रूप से पढ़ेंगे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए तो सावधान हो जाइए मजा आने वाला है आज की क्लास में बिल्कुल व्यापक रूप से और इसमें आप लोग देखेंगे कि महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में भी मिलता है और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में भी किसका उल्लेख मिलता है महाजनपदों का उल्लेख मिलता है तो एक जैन ग्रंथ हो गया एक बौद्ध ग्रंथ हो गया एक जैन ग्रंथ हो गया एक बौद्ध ग्रंथ हो गया और दोनों ग्रंथों में सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है इसके अलावा और किसमें मिलता है ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कुछ भी किताब पढ़े होंगे कहीं भी ये मेंशन आपको नहीं मिलेगा तो एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है रिच डेविड्स ये आधुनिक भारत में हुए और इन्होंने एक पुस्तक लिखी इस पुस्तक का नाम है बुद्धिस्ट इंडिया यानी महात्मा बुद्ध जो थे वह भारत में उत्पन्न हुए उन्होंने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया तो बुद्धिस्ट इंडिया नामक टाइटल की इन्होंने पुस्तक लिखी और इसमें भी सोलह महाजनपदों का वर्णन इन्होंने किया है तो तीन पुस्तकें हो गई एक भगवती सूत्र दूसरी अंगोत्तर निकाय और तीसरी आपके सामने कौन सी है बुद्धिस्ट इंडिया इसको किसने लिखा है रिच डेविड्स नामक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान ने लिखा है हाँ मुगल साम्राज्य बस फ्राइडे को आप लोगों के बीच में होगा निश्चिंत रहिए आप सभी लोग ठीक तो आगे देखिए तमिल ग्रंथ सिलप्पा दिकारम सिलप्पा दिकारम इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है घूंघरों की आवाज घूंघर समझते हो ना घूंघुर होता है घूंघर एक होता है घूंघुर जो जिसको पैरों में पहना जाता है जिसमें छम छम की आवाज आती तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है घूंघरों की आवाज इसी सिलप्पाधिकारम का शाब्दिक अर्थ होता है या घूंघरों की कहानी घूंगों की तरह ना कोई गाना याद आ रहा है म्यूजिक घूंघरों की तरह बजता ही रहा हूं तो घूघरों की कहानी का वर्णन है इसमें सिलप्पाधिकारम में और इसको लिखा है किसने ये कई बार पूछा जाता है इसको लिखा है इलंगो आदिकल ने किसने लिखा है इलंगो आदिकल ने अब ये जो सिलप्पाधिकारम नामक ग्रंथ है जिसको इलंगो आदिगल ने लिखा इसमें सभी महाजनपदों का उल्लेख नहीं मिलता इसमें कुछ महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध महाजनपदों का उल्लेख मिलता है इसको ध्यान मग्न होकर आप लोग पढ़िएगा जैसे एक महाजनपद है जिसका नाम है मगध दूसरे का नाम है वत्स्ये वही महाजनपद है जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है अभी मैं आपको बताऊंगा और यह वही वत्स्य है जो वर्तमान में इलाहाबाद या प्रयागराज के पास में कौशाम्बी जिले के रूप में मौजूद है और इसकी बत्स की राजधानी क्या होगी और अवंती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है या मध्य भारत में स्थित है इसकी दो राजधानी है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा एक की राजधानी उज्जैनी है जो उत्तरी अवंती है उसकी राजधानी उज्जैनी है जो दक्षिणी अवंती है उसकी राजधानी माहिस्मती है फिल्मों में इसका विवरण किया गया होगा फिल्मों में इसका विवरण किया हो गया किया गया होगा हां इलंगो आदिकल इलंगो आदिकल बिल्कुल इलंगो आदिकल आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली एक कंसेप्सुअल बात है और एक बौद्ध ग्रंथ और है जिसका नाम है महावंश इसमें भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है तो बौद्ध ग्रंथ आपने दो देखे ध्यान रखिएगा बौद्ध ग्रंथ आपने दो देखे एक कौन सा देखा एक अंगुत्तर निकाय आपने देखा अंगुत्तर निकाय अंगुत्तर निकाय कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिलता है दीर्घ निकाय में भी मिलता है और वो यही इसी का भाग है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अलग है कई जगह उल्लेख आपको मिलता है निकाय और दूसरा बौद्ध ग्रंथ आपने देखा महावंश महावंश में ही उल्लेख मिलता है अब इस बंस से संबंधित एक वंश और है जिसका नाम है दीप वंश जबकि दीप वंश में उल्लेख नहीं मिलता ध्यान रखिएगा आप लोग आप लोग हो सकता है कि आपके मन में आ रहा है कि महावंश और दीपवंश तो दीप वंश में उल्लेख नहीं मिलता महावंश में मिलता है और मुख्यतया ये जो बुद्धिज्म से संबंधित महावंश और दीपवंश है इसमें मुख्यतया श्रीलंका के इतिहास का विवरण मिलता है श्रीलंका के इतिहास का विवरण मिलता है ये भी आपको ध्यान रखना है और श्रीलंका में बुद्धिज्म का विकास कैसे हुआ मुख्यतया इसका उल्लेख मिलता है महावंश और दीप वंश में लेकिन यह जो महावंश है इसमें सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अब ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में बात की जा रही है जब उत्तर वैदिक युग का पतन हुआ छठी शताब्दी मतलब छह सौ आप लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक युग का पतन हो गया और जब इसका पतन हो गया तो लगभग लगभग उत्तर और भारत और दक्षिण भारत और मध्य भारत पूर्वी और पश्चिमी मुख्यतया गंगा घाटी में मुख्यतया यमुना घाटी में मुख्यतया सिंध सतलज घाटी में मुख्यतया आप लोग देखेंगे तो नर्मदा घाटी में भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव और विकास भी हुआ इन्हीं का हमें राजनीतिक इतिहास पढ़ना है तो एक कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं कि आप लोगों ने कल के इतिहास में देखा होगा कि सबसे बड़ी जो वैदिक युग में राजनीतिक इकाई थी उसका नाम था जन लेकिन जन नामक ये जो इकाई थी वह ऋग वैदिक युग की सबसे बड़ी इकाई होती थी जैसे भरत जन है जैसे कृपी जन है जैसे पुरु जन है जैसे तुर्बस जन है जैसे अनिल जन है जैसे पख्त जन है तो जन सबसे बड़ी इकाई थी और यह जो जन होता था इसका मुखिया कौन होता था जनस्य गोपा होता था इस जनस्य गोपा को राजन के नाम से पुकारा जाता था लेकिन उत्तर वैदिक युग में क्या हुआ उत्तर वैदिक युग में जब हम आए तो हमने कल आपको बताया था कि दो जनपद मिलकर एक बड़े महाजनपद का रूप धारण कर लेते हैं जैसे पंचाल महाजनपद जैसे मगध महाजनपद जैसे अन्य महाजनपद ये छोटे छोटे जो जन रहते हैं ये संयुक्त हो जाते हैं कई बार दो जन कई बार चार जन इकट्ठा होकर एक महाजनपद हो के एक महा रूप में इनका विकास हो जाता है तो जन के बाद में क्या आया जन के बाद में उत्तर में उत्तर युग जनपद आया और जनपद के बाद में महाजनपद आया और महाजनपद के बाद में आप लोग आगे बढ़ेंगे तो मौर्य काल में किसका कॉन्सेप्ट आएगा देश का कॉन्सेप्ट आएगा एक ऐसे साम्राज्य का उल्लेख आएगा जो अखिल भारतीय साम्राज्य होगा खास करके मौर्यों के समय काल में उस समय राज्य का कॉन्सेप्ट आता है उस समय किसका कॉन्सेप्ट आता है राज्य का कॉन्सेप्ट आता है भारत का कॉन्सेप्ट आता है देश का कॉन्सेप्ट आता है और महाजनपद का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य पहला चक्रवर्ती सम्राट है जिसने इन महाजनपदों को जीत लिया और एक जो प्रसिद्ध महाजनपद था मगध वह सभी महाजनपदों का केंद्र बन गया यह कॉन्सेप्ट है अब बड़े आराम से आप लोग समझ सकते हैं इस बात को यह सीरियल है इसको समझना है आप लोगों को और यही जन से क्या आया जनपद ये जन कब था यह ऋग्वैदिक युग में था जनपद कब आया उत्तर वैदिक युग में आया छोटे छोटे जो जन थे वो मिल गए फिर जनपद का विकास हो गया फिर कई जनपद मिल गए तो महाजनपदों का विकास हो गया और महाजनपदों को सबको सब सभी महाजनपदों की विजय किसने कर ली चंद्रगुप्त मौर्य ने कर ली तो फिर किसका कॉन्सेप्ट आ गया देश का या राज्य का कॉन्सेप्ट आ गया क्योंकि तो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट हम अभी बात नहीं कर सकते आधुनिक काल में करेंगे जो राष्ट्र की बात आती है राष्ट्र शब्द का उद्भव और उत्थान और विकास होता है वो आधुनिक भारत में होता है यहां पे हम राज्य बोलते हैं प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में जैसे मध्यकालीन भारत में कहा जाता है कि औरंगजेब के पास इतने राज्य थे इतनी बात समझ में आई अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी में अब जैसे सोलह महाजनपद आप लोगों ने देखा कि कुल कितने महाजनपद थे कुल सोलह महाजनपद थे ठीक अब ये जो सोलह महाजनपद थे सोलह महाजनपदों में से ध्यान रखिएगा आप सभी लोग जो सोलह महाजनपद थे इन सोलह महाजनपदों में से आप लोग देखेंगे तो यह चौदह जो महाजनपद हैं यहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहां पर राजा ही मुखिया होता था यहां पे कैसी व्यवस्था थी यहां पे राजतंत्र था राजा ही मुखिया था चौदह महाजनपदों में बल्कि दो महाजनपद और बचे अब दो ये मिल जाएंगे तो सोलह हो जाएंगे और ये दो जो दोनों महाजनपद हैं इसमें कैसी व्यवस्था थी इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और ये दोनों महाजनपद याद रखिएगा ये कई बार पूछे जाते हैं एक है बज्जी महाजनपद और दूसरा है मल्ल महाजनपद यहां पे कैसी व्यवस्था थी यहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी ध्यान रखिएगा कैसी व्यवस्था थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और इसमें एक बार पूछा गया कि ये जो चौदाह राजतंत्रात्मक महाजनपद हैं एक बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया कि चौदह जो राजतंत्रात्मक महाजनपद हैं इन चौदह महाजनपदों में से कौन सबसे शक्तिशाली थे तो आप लोग संख्या बताइए कि ये जो चौदह महाजनपद हैं इसमें से कितने सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे चार थे या पांच थे या तीन थे या सात थे जल्दी से बताइए आप सभी लोग संख्या के रूप में पहले बता दीजिए एक बार संख्या के रूप में आप बता दीजिए कि कितने शक्तिशाली थे चार पांच तीन सात चार पांच तीन सात बताइए तो जल्दी से आप सभी लोग कितने थे भैया सबा खान ने सबसे पहले बताया वेरी गुड और संजीत ने फिर बताया पांच ठीक है सभी लोग बताइए जितने भी लोग शामिल हैं कितने थे भाई जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे कितने थे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे जल्दी से बताते रहिए रोहित अभिषेक कुमार पाठक कमलेश किशोर कुमार अरे किशोर कुमार साहब भी हैं तेज प्रताप भी हैं अच्छी बात है होना भी चाहिए अच्छी बात है होना भी चाहिए क्यों होना भी चाहिए हम्म, hmm, गुड बहुत अच्छी बात तो आप लोगों ने बताया कुल कितने महाजनपद इसमें से थे जो शक्तिशाली थे तो आपने बताया सभी लोगों ने बताया स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने बताया कि पांच लेकिन शक्तिशाली महाजनपद कितने थे कुल चार थे चौदह महाजनपदों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे चार महाजनपद थे अब इनके नाम देख लीजिए चूंकि पूछा गया है कई बार सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे ये किस रूप में पूछा गया है यहीं से अभी आपको बताऊंगा तो पहला जो महाजनपद है उसका नाम तो प्रसिद्ध ही है तुरंत आप लोग बता सकते हैं पहला हुआ मगध और दूसरा कौन हुआ दूसरा हुआ वत्स और तीसरा महाजनपद कौन हुआ तीसरा महाजनपद आप लोग देखेंगे तो कोसल हुआ कौन हुआ कोसल जहां के राजा प्रसेनजीत थे जहां के राजा प्रसेन जीत थे ठीक और इसके अलावा और कौन है और आपके सामने है अवंती अवंती वही अवंती माहिस्मती अवंती कोसल अब इनका एक कोड बना लीजिए और कोड बना के याद कर लीजिए इन चारों महाजनपदों को एक हो गया मगध दूसरा हो गया वत्स और तीसरा हो गया कोसल और चौथा हो गया क्या चौथा हो गया अवंती इनका कोड बना लीजिए कभी भूलिएगा मत कोड कैसे बना सकते हैं कोड आम का समय है ना आम का समय है इस समय आम में खूब विटामिन ए होती है तो खाने का प्रयास कीजिए आप लोगों को मोटे मोटे चश्मे लगे होंगे आंखों में हमारी तरह हालांकि हमारा चश्मा इसका हमने नंबर लगवाया था इलाहाबाद में 2000-2011 में दिल्ली मुखर्जी नगर से इलाहाबाद गया था क्योंकि मुख्य परीक्षा का जो सेंटर था हमारा वो इलाहाबाद ही अक्सर में सेंटर लेता था क्योंकि वहाँ रहा था पढ़ा लिखा था वहीं से यू जी सब कुछ हमारा है तो वहाँ गया और एक सरकारी अस्पताल में गया तो लाइन लगी हुई थी पता नहीं उस डॉक्टर को कैसे मैं अच्छा लग गया बड़ी दूर में खड़ा था उस डॉक्टर ने बुलाया और 2011 में उसने नंबर दे दिया आज तक वो नंबर चला चल रहा है मतलब नजर ना लगे ऐसी बात और उसके पहले मैं बताऊं कितनी जापानी मशीनें हैं डॉक्टर आई वाले जो होते हैं उन्होंने ये मशीनें रखी वो मशीनें रखी हुई है कोई मशीन उसने नहीं लगाया कोई मशीन उसने लगाया ही नहीं और आज तक वो चश्मा चल रहा है मतलब नंबर ही नहीं बढ़ा उससे लेकिन उसने दो बातें कही थी कि चश्मा ले जा रहे हो तो रेगुलर लगाना और रेगुलर हमने लगाया भी मतलब मुंह धोने के बाद सीधे चश्मा होता था और आज तक ये नंबर बढ़ा नहीं है तो विटामिन ए खाइए आम खाइए खूब तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये आ है और ये मा है तो अम को आम बको या कुछ इस तरीके से स्पेलिंग में आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पे एम बी ए बी एम के ए बी के या के एम ऐसे कुछ कोड बना लीजिए कि ये कभी भूले ना ये बहुत जरूरी है हम हाँ बहुत मुश्किल है मिलना क्योंकि 2011 की बात है और पता नहीं अब वहाँ हैं या वो कहाँ गए मतलब उन्होंने बुला लिया सीधे हमें कि आप आइए आगे आइए और कुछ बोला भी कि हाँ कैसे आप खड़े हो क्या करते हो ये सब बोला उन्होंने और फिर तुरंत अपना चेक किया और नंबर दे दिया एक बहुत बड़ी बात थी चूंकि मैं नंबर से बहुत परेशान था तो अब देखो यहां से प्रश्न कैसे पूछता है प्रश्न पूछता है कि वो कौन से चार महाजनपद थे जिनमें आपस में संघर्ष लगातार जारी रहता था ये प्रश्न का एक प्रकार आपको बता रहा हूं तो जो शक्तिशाली होगा भैया वही ना संघर्षशील होगा जो कमजोर होगा वो तो बैठा हुआ है ठीक है वो तो अपना शांति से बैठा हुआ है उसको क्या लेना देना है तो ये चार महाजनपद अत्यंत शक्तिशाली थे इसीलिए इन चार महाजनपदों में हमेशा विवाद हमेशा कंट्रोवर्सी हमेशा आक्रमण हमेशा प्रत्याक्रपण हमेशा संधि हमेशा समझौता होता रहता था इस तरीके से अगर कोई प्रश्न पूछे तो ये है चार महाजनपद ही होंगे और इसमें जो सबसे ज्यादा इनमें से भी शक्तिशाली था वो था मगध और वो था कोसल वो था अवंती और बत्स थोड़ा इनमें भी कमजोर था लेकिन अंततः इनमें से सक्सेस किसको मिली इन चारों महाजनपदों से इसी मगध को सक्सेस मिली क्यों सक्सेस मिली ये मैं आपको कल मगध के उत्कर्ष या उदय में बताऊंगा कल की क्लास में कि आखिर मगध का उदय क्या हुआ रीजन क्या है आर्थिक क्या है सामाजिक क्या है भौगोलिक क्या स्थिति है क्या जो मगध है वो चारों तरफ से नदियों के बीच में स्थित है क्या वो चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच में स्थित है क्या मगध का कुछ आर्थिक इतिहास रहा है क्या वहां पे लोहे की खाने थी क्या वहां पे चांदी की खाने थी उसने मगध को आगे बढ़ा दिया इस तरीके से कल हम लोग मगध के उत्कर्ष या उदय को समझेंगे निश्चिंत रहिए आप सभी लोग ठीक तो ये चार महा जनपद थे जो अत्यंत शक्तिशाली थे और इन चारों चारों में ही लगातार संघर्ष होता रहता था आगे थोड़ा सा बढ़िए अब एक एक महा जनपद के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे लेकिन एक जो एक जो बात आपको किसी भी बुक में नहीं मिलती है जैसे हम लोगों ने सेंधो सभ्यता की चौहद्दी पढ़ी थी बाउंड्री पढ़ी थी ना उत्तर में सेंधो सभ्यता दक्षिण में सेंधो सभ्यता पूर्व में सेंधो सभ्यता पश्चिम में सेंधो सभ्यता जैसे पश्चिम में बाउंड्री थी सुतका पूर्व में आलमगीरपुर इसी तरीके से इन सोलह महाजनपदों की भी बाउंड्री को पढ़ेंगे और ये किसी भी किताब में आपको मिलेगा नहीं ध्यान रखिएगा तो आइए इसकी पहले बाउंड्री को हम लोग देखते हैं तो ये मान लीजिए कि आप ये पूरा उत्तर भारत दक्षिण भारत पश्चिमी भारत मध्य भारत है और इसमें से 16 महाजनपदों में कौन सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित था कौन पश्चिमी पर स्थित था कौन पूर्वी सीमा पर स्थित था और कौन दक्षिणी सीमा पर स्थित था इसी के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो उत्तरी सीमा पे आप लोग देख रहे हैं कि तो किसी महाजनपद का नाम मिल ही नहीं रहा है तो क्योंकि उत्तरी सीमा पे कोई बाउंड्री सीधे एग्जैक्ट बाउंड्री बनाता ही नहीं तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बिल्कुल उत्तरी सीमा पे कोई महाजनपद स्थित था तो ना बाबा ना बाबा नहीं स्थित था तो यहां पे क्या लिखा हुआ है यहां पे उत्तर और पश्चिम के बीच में एक महाजनपद स्थित है और इस महाजनपद का नाम है कंबोज और ये पाकिस्तान के हजारा जिले में है। ये जो काम्बोज महाजनपद है ये पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है ये जो काम्बोज होता था यह भारत में तो था लेकिन मध्य एशिया का क्षेत्र है और जैसे ईरान के घोड़े जैसे परसिया के घोड़े पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे प्राचीन भारत में मध्यकालीन भारत में वैसे इस काम्बोज जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी अत्यंत प्रसिद्ध थे यहां के घोड़े विदेशी यहां से घोड़े खरीदते थे <coughs> लेकिन पश्चिम में एक जनपद है और इसका नाम क्या है इसका नाम है अवंती महाजनपद यही अवंती महाजनपद जो मध्य प्रदेश में स्थित है यह पश्चिमी सीमा है पूर्वी सीमा आइए देखते हैं तो पूर्वी सीमा पे अंग महाजनपद आपको देखने को मिलेगा इसकी राजधानी आपको बड़े आराम से याद होगी इसकी राजधानी आपको इसकी कैपिटल तो याद ही होगी यह बताना पड़ेगा अंग महाजनपद <coughs> अंग महाजनपद की राजधानी का ट्रंप हम्म अच्छे नाम है क्या है भाई इस महाजनपद की राजधानी बताइए मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाह रहा हूं जल्दी से बताइए इंद्रजीत भागलपुर नहीं है नहीं है भागलपुर नहीं है ओहो पहली बार ही जिसने बताया गड़बड़ कर दिया मतलब इसकी भी राजधानी नहीं याद है आप लोगों को ने? इस महाजनपद की भी राजधानी नहीं याद है बालक लोग ऐसा कैसे कर रहे हो भाई इस महाजनपद की राजधानी भी आपको नहीं याद है तो ये जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी तो अत्यंत सरल है इसकी राजधानी चंपा है बताऊंगा अभी किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था ये मैं बताऊंगा तो ये पूर्वी सीमा पर स्थित है और दक्षिणी सीमा पे कौन है भाई तो दक्षिणी सीमा पे अस्मक है कौन सा महाजनपद है अस्मक महाजनपद है ध्यान रखना तो उत्तरी सीमा पे कोई महाजनपद नहीं था उत्तरी पश्चिमी सीमा पे स्थित है और इसका नाम है कंबोज पश्चिमी पे कौन है पश्चिमी पे अवंती है दक्षिणी पे अस्मक है और पूर्वी पे कौन है और पूर्वी पे अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा है वह स्थित है तो एक तरीके से चौहदी हम लोगों ने देख ली इस तरीके से बाउंड्री हम लोगों ने देख ली ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है पूरा ध्यान मग्न होके अपने आप को कहते हैं ना लुटा दीजिए इसमें अपने आप को जवान कर दीजिए इस पढ़ाई में समर्पित कर दीजिए डिवोटेड हो जाइए ईमानदार हो जाइए बिना ईमानदारी के यूपीएससी को निकालना प्रारंभिक परीक्षाओं के परीक्षा इंटरव्यू आसान नहीं है और इसका सिलेबस खास करके अथा है अब थोड़ा सा देखिए आप लोग अगर यहाँ पे हमें लगता नहीं कि ये दिखेगा अगर दिखता है तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे नहीं दिखेगा ना एक एक महाजनपद चलिए फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग समझिए पहले थोड़ा सा देखते हैं उत्तरी जनपदों को थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा मैं लिख दूंगा आपको चिंता मत करो तो ये यहाँ पे कौन सा महाजनपद है ये कंबोज महाजनपद है कौन सा महाजनपद है भाई ये कंबोज महाजनपद है ध्यान रखिएगा यही है काम्बोज यही है उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित है यह है महाजनपद यह है महाजनपद अच्छा आप लोगों को तो मुझे लगता है दिखाई पड़ रहा है क्या स्पष्ट रूप से एक बार क्लियर करें तो फिर मैं और इसे बढ़ा सकता हूं हाँ आप लोगों को तो दिखाई पड़ रहा है हमें ही नहीं दिखाई पड़ रहा है हाँ आप लोगों को दिखाई पड़ सकता है हाँ वेरी गुड दिखाई तो पड़ रहा है अच्छी बात हाँ तो थोड़ा और बड़ा करने का प्रयास करते हैं अगर सक्सेस मिल रही है तो प्रॉपर मिल रहा है क्यों और बड़ा हो जाए ठीक अब आपको दिखाई पड़ेगा तो ये कौन सा महाजनपद है भाई ये काम्बोज महाजनपद है ये कौन सा महाजनपद है यह है काम्बोज महाजनपद है आप देख रहे होंगे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हमने जो बताया बिल्कुल सही बताया आप लोग कह रहे होंगे हाँ सर आपने सही बताया ये देखिए उत्तरी पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी ये उत्तरी दक्षिणी सीमा ये है और पश्चिमी और पूर्वी सीमा ये और यहां पे उत्तर में आप लोग देख रहे होंगे तो कोई महाजनपद सीधे तौर पर नहीं स्थित है देखिए आप आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी पड़ रहा होगा कि कोई भी महाजनपद नहीं स्थित है उत्तर में तो ये उत्तर पश्चिम पे ये देखिए सीधे स्थित है एक महाजनपद जिसका नाम क्या है जिसका नाम है काम्बोज जिसका नाम क्या है जिसका नाम है काम्बोज महाजनपद तो एक जनपद महाजनपद आपके सामने है इसका नाम है काम्बोज ठीक और ये जो काम्बोज है इसकी राजधानी क्या है इसकी राजधानी है राजपुर इसकी राजधानी है राजपुर याद कीजिएगा और इसी राजपुर को हाटक के नाम से भी जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है राजपुर को हाटक के नाम से भी जाना जाता है ठीक तो ये जो महाजनपद है ये है घोड़े के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में घोड़े के लिए प्रसिद्ध है यह पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है घोड़े के लिए प्रसिद्ध है इसके तुरंत आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक महाजनपद आपको मिल रहा है और यह महाजनपद किसके रूप में दिखाई पड़ रहा है यह महाजनपद गंधार महाजनपद के रूप में दिखाई पड़ रहा है किसके रूप में दिखाई पड़ रहा है गंधार ये वही गंधार है जिसकी राजधानी तक्षशिला थी जहां पे प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था या प्राचीन भारत का पहला विश्वविद्यालय था जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय यही का प्राचार्य था यही का आचार्य था कौन कौटिल् चंद्र गुप्ता को यही शिक्षा उसने दिलाया था यानी चाणक्य यही है आपका कौन सा महाजनपद गंधार महाजनपद अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पे हम लोग आएंगे तो यहां पे एक महाजनपद आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपको सप्त प्रदेश सात नदियों द्वारा जो सिंचित प्रदेश है यह आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पे एक महाजनपद है और इस महाजनपद का नाम क्या है मैं लिख दे रहा हूं इस महाजनपद का नाम है कुरु महाजनपद कौन सा महाजनपद कुरु महाजनपद और इसी कुरु महाजनपद की राजधानी आईपी है अभी मैं आपको एक एक करके और भी पढ़ाऊंगा एक बार दिखा रहा हूं आपको यहीं से आप देखेंगे तो यहीं से आपको मत्स्य जनपद दिखाई पड़ेगा यहीं से कुछ अन्य महा जनपद भी दिखाई पड़ेंगे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग थोड़ा और देखते हैं आगे बढ़ के और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पूर्वी भारत में या पूर्वी भारत के जो महाजनपद हैं ये आपको दिखाई पड़ेंगे अभी एक एक महाजनपद को हम लोग पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग और ये दक्षिण में आपको एक महाजनपद आपको मिलेगा और इस महाजनपद का नाम क्या है इस महाजनपद का नाम दक्षिण में केवल एक ही महाजनपद आपको मिलेगा इसका नाम क्या है इसका नाम है अस्मक और ये अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है किसके किनारे स्थित है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है अस्मक महाजनपद है ये ठीक तो आइए देखते हैं एक एक करके इसको बाकायदा हम लोग देखते हैं एक एक महाजनपद को सबसे पहले हम लोग अंग के पास पहुंचते हैं अंग अवंती अब मुंह जबानी आपको याद कर लेना है आज सोलह महाजनपदों को मैं रटा दूंगा तो पहले आ से जो महाजनपद आते हैं उनको रटने का प्रयास कीजिए आप लोग बन जाइए तो होता क्या दिक्कत है अगर रटने से कुछ कल्याण होता है तो तो अंग अवंती अस्मक तीन महाजनपद हैं जिनका नाम आ से शुरू होता है याद करना शुरू कीजिए और तीनों महाजनपद को पहले पढ़ते हैं अंग अवंती अस्मक इनका नाम आ से ही पड़ता है उसके बाद में का से आने वाले महाजनपदों को पढ़ेंगे उसके बाद में मां से आने वाले महाजनपदों को पढ़ेंगे तो अंग महाजनपद आपके सामने है और अंग की राजधानी क्या है अंग की राजधानी है चंपा लेकिन वर्तमान में यह जो अंग महाजनपद है इसका एरिया क्या है वर्तमान में इसका क्षेत्र क्या है तो वर्तमान में अगर इसका क्षेत्र आप लोग देखेंगे आधुनिक समय में इसका क्षेत्र देखेंगे तो बिहार में एक जिला है भागलपुर तो भागलपुर की कोई एक बार हाँ भागलपुर की कोई पंडित जी हीरोइन है नेहा शर्मा यह क्या नाम है और पहले मॉडल थी अब वो फिल्म वगैरह भी बनाने लगी तो एक बार पूछा गया उनसे कि भागलपुर का नाम भागलपुर क्यों पड़ा आप में से भी अगर कोई भागलपुर का हो तो बिल्कुल सचेत हो जाने की स्थिति तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा है कि भागलपुर के लोग भागते रहते हैं दौड़ते रहते हैं दौड़ते दौड़ते काम करते हैं कोई काम आराम से नहीं भागते भागते जैसे मिलिट्री वाले दौड़ते हुए उनका सारा काम दौड़ते हुए ही होगा क्योंकि प्रहरी है भाई एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा तो भागलपुर का नाम भागलपुर क्यों पड़ा कोई बता सकता है आप लोगों में से हाँ नेहा शर्मा आप लोग तो ज्यादा समझदार नेहा शर्मा <laughs> तो भागलपुर के लोग भागते रहते थे क्या हम्म नहीं ना क्यों तो क्यों नाम पड़ा होगा भागलपुर वाले थोड़ा सा जाने इसको ध्यानपूर्वक यहां भाई भागलपुर का नाम <coughs> भागलपुर क्यों पड़ा भागलपुर वालों को जानना है इसको कि भागलपुर का नाम भागलपुर क्यों पड़ा बहुत जरूरी है भागलपुर वालों के लिए ऐसे ही प्रश्न तो पूछे जाते हैं और जम के पूछे जाते हैं तो भागलपुर के लोग वहां पे हाँ हमने शायद एक सो में ही सुना था तो भागलपुर के लोग भागते हैं तो कानपुर के लोग क्या क्या कान पकड़ के भागते हैं क्या और नागपुर के लोग क्या नाग लेके चलते हैं तो ये जो भागलपुर है बाबू लोग ये भागलपुर आधुनिक भागलपुर और एक जिला ये बहुत अत्यंत प्रसिद्ध है ये बहुत चर्चित जिला है मुंगेर क्यों चर्चित है आपको बताऊं जब बंगाल था तो बंगाल में यह जो बिहार था ये बंगाल के अधीन आता था आधुनिक भारत में जब बंगाल में नवाबी चलती थी तब जैसे बंगाल के कई नवाब हुए पहला नवाब कुली खां हुआ दूसरा नवाब सुजाउद्दीन हुआ तीसरा नवाब सरफराज हुआ फिर अलीवर्दी खां हुआ फिर सिराजुद्दौला हुआ जिसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला के साथ में आ, एक तरीके से चालाकी किसने की मीर जाफर ने की फिर मीर जाफर बना मीर जाफर के बाद में फिर मीर कासिम ने चालाकी की तो फिर वो बना फिर मीर कासिम ने क्या किया था ये जो मुगेर है ना इस मुगेर को अपनी कैपिटल बनाया था मीर कासिम ने इस मुगेर को अपनी कैपिटल बनाया था और उस समय ये बंगाल का हिस्सा ही था तो यानी बंगाल की कैपिटल सबसे पहले क्या थी कोई बता सकता है ऐसे जुबान पे रखिए इतिहास को कहां पे रखिए जुबान पे कि कोई बोले तो तड़ 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 बरसना शुरू कर दीजिए और बरसने के बाद में व्यक्ति ग्रस्ता तो है ही है जब उसमें ज्ञान होता है तो बंगाल की जो राजधानी थी सबसे पहले ध्यान रखिएगा चलिए एक बात आपको बताता हूं सबसे पहले जो बंगाल की राजधानी थी वो थी ढाका ठीक अब ढाका से बंगाल की राजधानी को बनाया किसने ढाका से स्थानांतरित किया कहा मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद इसको राजधानी किसने बनाया इसको मुर्शिद कुली खान ने बनाया राजधानी किसने बनाया मुर्शिद कुली खान ने यह बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खान अब मुर्शिदाबाद राजधानी है मुर्शिदाबाद से राजधानी ट्रांसफर हो रही है मुगेर कहां ट्रांसफर हो रही है मुगेर और मुगेर को राजधानी किसने बनाया मीर कासिम ने बनाया मीर कासिम ने बनाया और यही राजधानी रही यही राजधानी रही तो तीन राजधानियां हैं बंगाल की ढाका मुर्शिदाबाद और मुंगेर और इस मुंगेर में इस मीर कासिम ने क्या किया इसने क्या किया यहां पे बंदूकों का कारखाना लगवाया यहां पे क्या लगवाया यहां पे बंदूकों का कारखाना लगवाया अब अंग्रेज चिढ़ गए और तोड़दार बंदूक यानी बीच से उसको तोड़ दिया जाता था और वहां पे बीच में गोली भरी जाती थी इसी को बाद में थ्री नाल थ्री ए, इसी को कहा गया यही है थ्री नाल थ्री का टेलर जिसे आप लोग बोलते हैं मतलब टेलर के बाद में फिल्म बाकी रहती है तो यही है बंदूकों का कारखाना मुगेर और आज भी ये अवैध असलहों या बंदूकों का केंद्र है मुगेर पूरे भारत में प्रसिद्ध है आज भी प्रसिद्ध है और ये है और उत्तर प्रदेश में आप लोग देखेंगे तो कुछ मेरठ भी है तो यहाँ पे मुगेर में जो एसपी जाता है वो सामान्य एसपी नहीं होता एसपी कमांडर इन चीफ चीता जिसे बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं शेर बोलेंगे चीता बोलेंगे एसपी क्या होता है कमांडर इन चीफ होता है भाई जिलेगा सेनापति होता है एसपी फर्स्ट क्लास की गाड़ी मिलेगी घर से बाहर तक हर काम करने के लिए कर्मचारी मिलेंगे आपस मिलेगी रहने के लिए आवास मिलेगा गजब का अपना है भाई तो बंदूकों का तोड़दार बंदूकों का कारखाना है ये मुगेर तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में हमेशा रहता है और आप लोगों ने देखा होगा कि मुखर्जी नगर में हम लोगों के साथ पढ़ने वाली एक चर्चित आईपीएस पी यहाँ पे कुछ समय पहले छोटी सी ही वो एक तरीके से आईपीएस पी हैं बहुत उनकी हाइट नहीं है लेकिन बिहार के डर उनको मिला है और बहुत प्रसिद्ध हैं अभी कुछ कुछ दिनों पहले वो वहाँ पे थी जानते होंगे आप लोग उनका नाम सुना होगा मुखर्जी नगर में ही रहती थी और उनका चयन हुआ था यहीं से चयन हुआ था हम लोगों के साथ में ही थी तो बहुत हैं अब ये तो एसपी के रूप में है यूपी कैडर में तो कई एसएसपी बन गए जब जब हमने इंटरव्यू दिया था तो हमारे साथ के जो सक्सेस हैं इसी दिन इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में मुलाकात भी बस बहुत जल्दी ही करवाने वाला हूं आप लोग अपने प्रश्न रखिएगा तो आपके प्रश्न के हिसाब से उत्तर मिलेगा कैसे भाई उनके हिसाब से भी आप लोग समझिए हम लोग तो आपको समझाते ही हैं। सही यही होगा कि हम लोगों के हिसाब से ज्यादा आप चलिए क्योंकि तो वो तो एस पी एस एस पी बन चुके हैं तो कुछ भी बोलेंगे कुछ भी बोल सकते हैं वो और आप लोग भी बोलेंगे जब आई एस और आईपीएस बन जाएंगे तो और जो बोलेंगे वही सत्य होगा जो बोलेंगे वही लीक होगी लेकिन अधिकारी बन जाने के बाद में दुनिया आपके पीछे चलती है ना कि पहले अभी तो आप लोग देखते होंगे कि घर वाले भी कहते होंगे भैया क्या पढ़ रहे हो दो साल हो गया अभी पीटी नहीं निकला है कैसे पढ़ाई कर रहे हो लोग भी बोलेंगे आपको भी फील होगा लेकिन तीसरी साल हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए तो वही लोग जो कहेंगे अरे भैया आप तो पढ़ाई करते थे मुझे पता था रातों रात पढ़ाई करते थे दिन में भी लगे रहते थे हम जानते थे आप मेहनत कर रहे हो आपका सिलेक्शन होगा ऐसे वो बोलेंगे एक समय एक मिनट में सुर बदल जाता है तो यहाँ पे एक बात और देखिए ये जो मुगेर है और भागलपुर है यहां पे मगध और अंग के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था चंपा इसीलिए इसका नाम पड़ा अब चंपा नदी के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे कि चंपा नदी भी थी क्या मुगेर और मगध के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था चंपा और चंपा नदी अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी जो महाजनपदों का इतिहास है आप लोगों ने पढ़ा कहा है अभी ठीक ठाक तरीके से तो यहां से अगर प्रश्न पूछ ले कि मगध और अंग महाजनपद के बीच में जो नदी बहती थी उसका नाम क्या है उसका नाम है चंपा ठीक इस नगर का वास्तुकार कौन है यानी अंग नामक नगर का वास्तुकार यानी स्थापत्यकार किसने इस नगर की इस नगर को बसाया जैसे कहा जाता है कि ताजमहल का स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था बनवाया शाहजहां ने था तो वैसे ये जो अंग महाजनपद है इसका वास्तुकार कौन है किसने इसके नक्शे को बनाया तो ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है इसका वास्तुकार है महागोविंद यह राजगृह का निवासी था एक बार पीसीएस में पूछा है बिहार पीसीएस में ये जो महागोविंद है ये कहाँ का निवासी था तो यह राजगृह का निवासी था और राजगृह किसकी राजधानी थी राजगृह मगध की राजधानी थी और उत्तरी राजधानी थी मगध की देखिए तो मगध की दो कैपिटल हैं एक उत्तरी एक दक्षिणी तो उत्तरी राजगृह हो जाएगी और दक्षिणी गिरी ब्रज हो जाएगी ठीक यहां का प्रसिद्ध जो राजा था उसका नाम था दधि वाहन बिंबसार ने अंग को मगध राज में मिला लिया जो बिंबसार मगध का शासक बना तो बिंबसार ने इस अंग को किस में मिला लिया मगध राज में मिला लिया और इसके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि इस अंग नामक महाजनपद का अंत कैसे हुआ तो बिम्बार बिम्बसार ने इसके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके इसके राजा को पराजित कर दिया और पराजित करके इस महाजनपद को मगध महाजनपद का हिस्सा बना लिया तो ये था आपके सामने अंग का इतिहास जिसकी राजधानी चंपा थी जिसकी कैपिटल चंपा थी ठीक जिसकी कैपिटल चंपा थी ध्यान रखना आप सभी लोग अब हमने कहा था कि आ वाले महाजनपद सबसे पहले पढ़ेंगे क्यों तो देखता हूं आ वाले महाजनपद ही सबसे पहले आपके सामने आएंगे हां ठीक देखो तीन महाजनपदों का नाम आ से शुरू होता है मैं आपको बता देता हूं तीन महाजनपदों का नाम किससे शुरू होता है बाबू लोग तीन महाजनपदों का नाम आ से शुरू होता है ना आ से और इसमें तीन महाजनपद कौन से हैं अंग है पहला याद कर लीजिएगा और दूसरा अवंती है अंग अवंती अस्मक है। अस्मक जो दक्षिण भारत में स्थित है और दक्षिणी सीमा बनाता है अब अंग को हम लोगों ने पढ़ लिया और दूसरा महाजनपद आपके सामने कौन सा है अवंती है अवंती है दूसरा महाजनपद अवंती हाँ जल ग्रहण कर लीजिए आप सभी लोग जल ग्रहण करना बहुत जरूरी है क्यों अवंती ध्यान से पढ़िएगा अब यहां पे जो अवंती नामक महाजनपद है, इसकी दो राजधानियां हैं उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती ये दो भागों में विभाजित है और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है या उज्जैन जहां पे आज महाकाल देवता का मंदिर महाकाल और दक्षिणी की राजधानी क्या है माहिसमती आप लोग फिल्मों में देखते होंगे माहिसमती की खूब चर्चा की गई बाहुबली कौन सी फिल्म है भाई जिसमें दिखाया गया है बाहुबली या कौन सी हाँ बाहुबली ही तो है ना हाँ उसी में चर्चा की गई है माहिसमती नामक राजधानी की माहिसमती नामक राजधानी की क्यों अंकुल चर्चा की गई है नहीं की गई है की गई है बिल्कुल सही बात क्या की गई है चर्चा की गई है थिक? तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं दोनों राजधानियों के बीच में एक नदी बहती थी जैसे अंग और मगध के बीच में जो नदी बहती थी उसका क्या नाम था उसका नाम था चंपा और यहां पे कौन सी नदी बह रही है ये देखिए दोनों राजधानियों के बीच में एक नदी बहती थी और इस नदी का नाम है बेत्रवती नदी दोनों राजधानियों के बीच में यानी अवंती की राजधानी जो आ, माहिस्मती है और जो उज्जैनी है इसको दो भागों में कौन बांटता है इसको दो भागों में बेत्रवती नदी बांटती है यह महत्वपूर्ण है ये विभाजक का काम कर रही है किसका काम कर रही है यह है विभाजक का काम कर रही है इसको ध्यान रखिएगा और यहां अवंती का जो प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था चंड प्रद्योत ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम है चंड प्रद्योत महासेन इसका पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम है चंड प्रद्योत महासेन और ये चंड प्रद्योत महासेन जो है वो वैसे वास्तव में प्रसिद्ध है प्रद्योत के नाम से अवंती नरेश प्रद्योत जैसे आप लोगों के भी छोटे छोटे नाम भी होंगे कई नाम भी होंगे वैसे इसका भी है तो बड़ा नाम लेकिन प्रसिद्ध किस नाम से होता है प्रसिद्ध होता है प्रद्योत के नाम से वह अपनी निष्ठुरता के कारण चंड कहलाता है उदार नहीं है कठोर है निष्ठुर है अचानक कोई निर्णय ले लेता है और अचानक मान लीजिए कभी कोई राजा या हम में से भी कोई निर्णय ले तो वह उसके लिए उपयोगी हो तो निर्णय ले सकता है वाहवाही होगी लेकिन अचानक कोई निर्णय लेता था मोहम्मद बिन तुगलक की तरह और वह निर्णय फेल होता था वो प्रजा के लिए घातक होता था राजा के लिए भी घातक होगा तो इसीलिए इसे, इसे निष्ठुर कहा जाता था इसीलिए इसे चंड कहा जाता था प्रद्योत का वत्स महाजनपद मगध महाजनपद और कोसल महाजनपद एवं गंधार महाजनपद के पास संघर्ष चलता रहता था अब ये विवादित आदमी था ही कंट्रोवर्शियल आदमी था ही तो संघर्ष तो होगा ही तो संघर्ष किससे होता था सबसे ज्यादा तो संघर्ष इसका बस से होता था फिर मगध से होता था फिर कोसल से होता था और फिर गंधार से होता था मगध के अतिरिक्त अवंती ही वो महाजनपद था जहां लोहे की खान थी एक महत्वपूर्ण बात हालांकि इसमें मगध आगे निकल गया क्योंकि वहां की लोहे की खान बड़ी थी और इस अवंती की खान छोटी थी तो सोलह महाजनपदों में आप लोगों ने देखा कि दो महाजनपद ऐसे थे जहां पे आयरन की माइंस थी यानी लोहे की खान थी ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कूट में ऐसे प्रश्न पूछ ले और वहां पे दो दो जनपदों की एक लेयर बना के आपको दे दे विकल्प में तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो दो महाजनपद ही ऐसे थे जहां पर लोहे की खान थी और सर्वाधिक लोहा मगध में पाया जाता था मगध के आगे बढ़ने का यह, यह मुख्य रीजन है आधारभूत रीजन है क्योंकि मगध के लोग क्या करेंगे अब भाई लोहा मिला लोहे से फाल बनाएंगे फाल से अपने खेतों में गहरी जुताई करेंगे फिर उनकी भूमि फर्टिलाइजर हो जाएगी गहरी जुताई करेंगे ज्यादा बार जुताई करेंगे आप भी करते होंगे तो आपकी भूमि क्या होती है फर्टिलाइजर होती है कई बार तो हमने ये स्वयं काम किया हुआ है, चूंकि मैं जमीन से बिल्कुल जुड़ा हुआ आदमी हूं तो कहते हैं कि अगर पहली बार आपने खेतों की जुताई की तो बड़े बड़े वहां पे जो मिट्टी के आकार प्रकार आपको दिखाई पड़ेंगे अगर कई बार आप जुताई करेंगे तो छोटे 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 छोटे, -छोटे रेसे आपको दिखाई पड़ेंगे और कहते हैं जब तक वो मिट्टी धूल के रूप में ना आ जाए अगर मिट्टी धूल के रूप में आ जाती है तो इसका मतलब अब वो काफी फर्टिलाइजर हो गई इसका मतलब 10-15 बार उस खेत की आपने जुताई की है इतना मैं करता था जुताई या करवाता था वहां पे रहता था अपने खेतों में तो जब तक वो धूल नहीं बन जाती थी और फिर जो खाद पास आप लोग वहां पर रखते हैं खेतों में उसकी कम ही जरूरत पड़ती थी ये भी खास बात है क्योंकि पहले ही आप मेहनत कर चुके हैं वो मिट्टी ही फर्टिलाइजर हो चुकी है वो मिट्टी ही खाद के रूप में परिवर्तित हो चुकी है तो एक तो गहरी जुताई की जो कि लोहा ज्यादा था तो गहरी जुताई की तो मिट्टी फर्टिलाइजर हो गई जब फर्टिलाइजर हो गई उसमें अगर अनाज का उत्पादन होगा वो अन्य क्षेत्रों से ज्यादा होगा जब ज्यादा होगा तो पहले तो क्या होगा कि लोग खाने में प्रयोग करेंगे जम के प्रयोग करेंगे ताकतवर होंगे और फिर इसी अनाज का अधिशेष यानी बचत के रूप में भी रखने लगेंगे बचत के रूप में धीरे धीरे फिर बेचने भी लगेंगे दूसरे क्षेत्र को यही अनाज शक्तिशाली बना देगा अधिशेष मात्रा में अनाज होने लगेगा इसीलिए कहते हैं भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि की वजह से ही भारत में सोना आया और भारत को सोने के चिड़िया कहा जाता है मध्यकालीन भारत का एक इतिहासकार है जिसका नाम है उत्त बी क्या नाम है उत्त बी इसी उत्बी ने भारत को सोने की चिड़िया कहा है आपसे पूछा जा सकता है हम लोग तो खूब कहते हैं सोने की चिड़िया सोने की चिड़िया लेकिन कोई अगर प्रमाण देने के लिए कह दे कि भाई प्रमाण दीजिए थोड़ा सा कहा -कहां गया है भारत को सोने की चिड़िया तो ये जो उत्बी है ये अरबी इतिहासकार है इसी ने अपने संस्मरण में अपने साहित्य में भारत को सोने की चिड़िया कहा है इसको जान लीजिएगा और मान लो अगर ये प्रश्न पूछ ले तो हो सकता है कि हजार लोग में शायद किसी को ना पता हो ऐसा भी हो सकता है मगध के अतिरिक्त अवंती ही वो महाजनपद था अवंती का मगध साम्राज्य जो अवंती था अवंती को मगध साम्राज्य में मिला किसने लिया सिसुनांग ने मिला लिया अरे एक वंश के बाद में एक सिसुनांग वंश आता है जिसका राजा होता है शिशुनांग ही और इसी ने इस अवंती को क्या किया इस अवंती को मगध में मिला लिया ठीक तो ये आपके सामने अवंती हो गया ये आपके सामने क्या हो गया अवंती हो गया अब आपके सामने अंग अवंती अस्मक अब अगला जो महाजनपद है वो है अस्मक आसे आने वाला ठीक तो आइए अस्मक को देखते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है थोड़ा सा अलग तरीके से इसका अध्ययन करेंगे अस्मक महाजनपद का अलग तरीके से बिल्कुल अध्ययन करेंगे अस्मक महाजनपद वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी राजधानी थी पोटली या पोटल इसकी कैपिटल क्या थी पोतन या पोटली यह आधुनिक बोधन के नाम से भी प्रसिद्ध है यह भी ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में इसकी सीमा स्थित है यह क्षेत्र स्थित है अस्मक दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था दक्षिण भारत में एक अकेला महाजनपद यही था कई बार स्टेट एग्जाम में यह सब पूछा है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाजनपद में से ना आज तक कभी हमारे पढ़ाए हुए से कभी एक प्रश्न न बाहर गया है ना जाता है और लगभग सारे प्रश्न आपके साल भी हो जाएंगे यहीं से प्रश्न आएगा भी हाँ लेक्चर के समय थोड़ा सा सचेत अवस्था में रहना है उत्साहित रहना है पूरा ध्यान मग्न होके पढ़ना है और ये किस नदी के किनारे स्थित था यह भी कई बार पूछा है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है जो अस्मक जनपद है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है आधुनिक बोधन के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी पोटन या पोटली है और गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे आप लोग देखो इक्शवांक वंशी शासकों का शासन है इक्ष्वांक वंश प्रभो राम को नाम जन श्रुता ये इक्श्वाक वंश की एक शाखा अयोध्या से कहां पे गई थी आंध्र प्रदेश भी गई थी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र इक्श्वाक वंश के बारे में चर्चा की गई इक्वांकु वंश का बताया गया है उनको तो वही ये इक्वांकु वंश है जिसकी एक शाखा आंध्र प्रदेश में है ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी अस्मक को मूलक अलका क्षेत्र से अलग करती है कहा जाता है कि जो गोदावरी नदी है यह अस्मक महाजनपद को एक क्षेत्र है जिसका नाम है मूलक इसे अलका भी कहा जाता है इसी क्षेत्र से अलग करती और कालांतर में ये जो मूलक है यह अलका है इसी की राजधानी या कैपिटल पड़ गई थी क्या पैठन और इसी को प्रतिष्ठान कहा जाता है इस शिक्षा का केंद्र है और आगे चल के आप लोग देखोगे तो जो आंध्र सातवाहन है सातवाहन आंध्र सातवाहन हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल के जस्ट बाद तो जो सातवाहन वंश है वह इसी आंध्र प्रदेश में ही तो है तो आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि प्रतिष्ठान या पैठन का प्राचीन नाम क्या था अलका अलका क्या नाम था अलका या मूलक तो बड़े बड़े लोग नहीं बता पाएंगे इसको बड़े बड़े लोग इसको नहीं बता पाएंगे प्रतिष्ठान या पैठन का प्राचीन नाम क्या था तो यहां पे ध्यान रखिएगा मूलक या अलका और ये प्रतिष्ठान या पैठन कालांतर में सातवाहन शासकों की राजधानी बनी जिसका अध्ययन हम लोग मौर्योत्तर काल में करेंगे करेंगे कब करेंगे मौर्योत्तर काल में मौर्य शासकों के बाद में अध्ययन करेंगे और ये जो सातवाहन राजवंश है आप लोग बताने के बताने की कोशिश कीजिए कि ये जो सातवाहन राजवंश है सातवाहन राजवंश सातवाहन राजवंश का एक प्रश्न है ध्यानपूर्वक सुनिएगा उत्तर भी मिलेगा आपको संस्थापक कौन था कौन था कौन था एक पूर्ण विराम बाद में ही हमेशा रहता है प्रश्नवाचक चिन्ह के तुरंत बाद में पूर्ण विराम पहले नहीं ऐसा नहीं कि पूर्ण विराम पहले लगा दीजिए और प्रश्नवाचक चिन्ह फिर गलत हो जाएगा ये माइनर्स में नहीं आता यह व्याकरणिक अशुद्धि हो जाएगी इसमें उत्तर आपको मिल रहा है नंबर एक में आपको मिल रहा है शिशुनांग शिशुनांग दूसरे उत्तर में आपको मिल रहा है पुत्र सातकर्णी पुत्र सातकर्णी इसी को हम लोग जीपीएस बोलते हैं पुत्र सातकर्णी इसी को साठ में हम लोग जीपीएस बोलते हैं तीसरा विकल्प है सिमुख तीसरा विकल्प क्या है तीसरा विकल्प है विकल्प है सिमुख और चौथा विकल्प आपके सामने है यशवर्धन यस yes, वर्धन बताइए जल्दी से भाई कौन है इस सातवाहन राज का संस्थापक कौन है इस सातवाहन राज का संस्थापक अच्छा बता चुके हैं बता चुके हैं आप लोग सभी लोग बताइए जल्दी से अन्य लोग भी बताइए अन्य लोग भी बताएं भाई कौन है इसका संस्थापक कौन है इसका संस्थापक सातवाहन राज का संस्थापक सभी लोग बताइए एक तरफ से उत्तर आना चाहिए आप सभी लोगों का मैं एक तरफ से आप लोगों का उत्तर देखना चाहता हूं बताइए सभी लोग बताइए तो आप लोगों ने बताया सिमुख है सात वाहन राज का संस्थापक कौन है भैया सिमुख है सातवाहन राज का संस्थापक एक अंतिम लाइन यहाँ पे जो अस्मक के राजा थे अरुण और अरुण ने कलिंग की विजय की थी कलिंग कहां पे स्थित था उड़ीसा में स्थित था आज भी स्थित है का, कलिंग का जो है ना सामरिक और व्यापारिक महत्व तो हमेशा से सबसे ज्यादा रहा है अशोक के कलिंग की विजय का कारण भी यही था तो इस अरुण जो अस्मक का राजा था इसने कलिंग की विजय की थी बाद में अवंती ने अस्मक को विजित कर लिया था अवंती मध्य प्रदेश में स्थित ही था और मध्य प्रदेश की सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है तो अवंती ने इसको अपना क्या बना लिया था इसको अपना हिस्सा बना लिया था तो ये हो गया अवंती अब अंग अवंती अस्मक हो गया ठीक अब हम लोग पहुंचते हैं काशी कोसल कुरु पंचाल पे पहुंचते हैं का से जो जनपद आते हैं उनका अध्ययन करते हैं तो का से कई जनपद हैं काशी हो गया कोसल हो गया कुरु हो गया और काम्बोज हो गया चार जनपद का से आते हैं पहला हो गया काशी दूसरा हो गया कोसल तीसरा हो गया कुरु और चौथा हो गया काम्बोज तीन महाजनपद आ से आपने पढ़े से आपने पढ़े जिनकी शुरुआत होती है अंग अस्मक और चार तीन सात महाजनपद की राजधानी क्या हैरुणा है। और अस्सी नदियों के बीच में स्थित था इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ गया बरुणा और अस्सी दो नदियां थी और इसी के बीच में वाराणसी स्थित था इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ गया अब भी आप लोग देखेंगे तो आ, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है अमेठी है सुल्तानपुर वाराणसी से एक एक्सप्रेस चलती है सुबह सुबह चलती जिसका नाम है बरुणा एक्सप्रेस और वो वाराणसी को सुल्तानपुर होते हुए किससे जोड़ती थी लखनऊ को जोड़ती थी अब आज शायद वो उसका कुछ रेंज उसकी बढ़ा दी गई कानपुर तक हो गई वो तो कई बार ट्रेनों का नाम भी नदियों के नाम पर पड़ जाता है एरिया के नाम पर पड़ जाता है और पड़ा ही है कहीं गंगा एक्सप्रेस कहीं जमुना एक्सप्रेस तो कहीं गंगा जमुना एक्सप्रेस कहीं हिमगिरी एक्सप्रेस कहीं राजगृह एक्सप्रेस कहीं श्रावस्ती एक्सप्रेस ये सब यही तो है तो बरुणा और अस्सी नदियों के बीच में स्थित था महाभारत के अनुसार जो महाभारत नामक ग्रंथ है इसके अनुसार इस नगर का संस्थापक कौन था दिवोदास था इस वाराणसी नामक नगर का संस्थापक यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था ब्रह्मदत्त बनारस संगीत और शिक्षा और वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र था यहाँ के जो काशी का वस्त्र है ना काशी का एक तरीके से सूती वस्त्र जो है जो सिल्क है ये प्राचीन काल में ही प्रसिद्ध था महाजनपद युग में ही प्रसिद्ध था तभी तो अमिताभ बच्चन की अमिताभ बच्चन के बेटे जब अभिषेक बच्चन का विवाह हुआ तो सूरत को छोड़ के बंबई नगरिया को छोड़ के सीधे वाराणसी नगरिया पहुंचे थे और वहां से उस सुहाग के प्रतीक रूप में इस वाराणसी से साड़ी खरीदी थी उन्होंने तो वाराणसी की साड़ी वाराणसी का पान वाराणसी का काला जाम यानी रसगुल्ला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मंदिरों की नगरी के नाम से विख्यात है वाराणसी किसके नाम से विख्यात है मंदिरों की नगरी के नाम से विख्यात है ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा का से एक जो महाजनपद है इसका नाम है कोसल और इसकी दो राजधानी है ध्यान रखिएगा कोसल मतलब यही अवध का क्षेत्र कोसल का मतलब क्या है कोसल मतलब वर्तमान में जो अवध का क्षेत्र है यही है कोसल ठीक कोसल और उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती है और कोसल दक्षिणी कोसल जो है इसकी राजधानी क्या है कुसावती है कई महाजनपद आपको मिल रहे हैं जिसकी दो राजधानियां तो वैसे ही कोसल भी है जैसे अवंती अभी आपने पढ़ा उसकी भी दो राजधानियां थी उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी माहेशमती और ये कोसल अवध का एरिया है ध्यान में रखिएगा उत्तरी की श्रावस्ती और दक्षिणी की कोसावती वर्तमान में अवध का क्षेत्र फैजाबाद मंडल प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का निर्माण करता था सरयू नदी इस राज्य को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांटती थी यानी इसके बीच में कौन सी नदी थी इसके बीच में सरयू नदी और आज भी अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है आज भी अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है सरयू घाघरा नहीं ध्यान रखना आप सभी लोग किस नदी के किनारे स्थित है सरयू नदी के किनारे स्थित है इसके बारे में और पढ़िए थोड़ा सा श्रावस्ती अचीरावती राप्ती नदी के तट पर एक अर्ध चंद्राकार नगर था यही प्रश्न पूछेगा श्रावस्ती चंद्राकार नगर था अर्ध चंद्राकार नगर था आयताकार नगर था या चौकोर नगर था लोग कहेंगे आयताकार था लोग कहेंगे नहीं नहीं चौकोर आकृति थी नगर चौकोर ही अधिकतर बसाए जाते हैं लेकिन इसकी आकृति कैसी थी अर्ध चंद्राकार आकृति थी ऐसे इसकी आकृति थी इस नगर की यह बहुत महत्वपूर्ण है इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग यह अर्ध चंद्राकार नगर था और मुख्यतया ये जो श्रावस्ती था यह अचिरावती या राप्ती नदी के किनारे स्थित है आज भी है राप्ती नदी जो गोरख गुरक, गोरखपुर का एरिया है उसके आसपास का एरिया है वहां पर राप्ती नदी ही तो है आप लोग देखते होंगे गोरखपुर के आसपास में तो यह श्रावस्ती अछीरावती नदी को ही राप्ती नदी के नाम से जाना जाता है श्रावस्ती की पहचान आधुनिक में महेश से की जाती है सहेज से नहीं ध्यान रखना एक बात बहुत महत्वपूर्ण है श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेश से की जाती है जबकि वहां जतवन बन बिहार यही जो महेश है यहां पे जतवन बन बिहार ये महात्मा बुद्ध को दान में मिलता है कौशल नरेश प्रसन्न दान में देते हैं अवशेषों की पहचान ये जो जतवन बन बिहार है इसकी पहचान सहेत से की जाती है जबकि श्रावस्ती की, की पहचान महेश से की जाती है और यहां पे स्थित जो जतवन बन बिहार है इसकी पहचान सहेत से की जाती है इन्हीं को सम्मिलित रूप से आप लोग देखेंगे तो सहेत महेत कहा जाता है क्या कहा जाता है सहेत महेत कहा जाता है क्यों इंद्रजीत जतवन वन बिहार हुँ? अच्छा पीडीएफ सेंड पढ़ तो लीजिए तभी तो पी डी एफ मिलेगा एक बार जम के पढ़ाई कर लीजिए पीडीएफ कहाँ जाएगा वो तो वो तो आपकी ही धरोहर है मैंने तो आपके लिए ही बनाया है उसके लिए निश्चिंत रहिए ठीक वो तो आपकी ही धरोहर है सहेत महेत ध्यान रखिएगा यहां का प्रसिद्ध राजा कौन था यहां का सबसे प्रसिद्ध है, राजा था कोसल नरेश प्रसेन जीत प्रसेनजीत ने अपने को किस वंश का बताया इक्शवां वंश प्रभो रामा सब लोग अपने आप को इक्वांक वंश से जोड़ने का प्रयास करेंगे मान लो अगर होगा भी नहीं तो जैसे बलवन था लवन भी तो तुर्क था और गुलाम था लेकिन जब वो शासक बना तो उसने किंगशिप थ्योरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया और अपने आप को मध्य एशिया के जो शक्तिशाली वंशज हैं उसका क्या घोषित किया उसका अंग घोषित किया वैसे यहां पे भी समझते रहिएगा आप सभी लोग एक ग्रंथ है जिसका नाम है संयुक्त निकाय हम आपको जब बुद्धिज्म का इतिहास पढ़ाएंगे तो बुद्धिज्म के इतिहास में आपको तीन पिटक पढ़ाएंगे सुत्त पिटक विनय पिटक अभिधम्म पिटक तो इसमें जो पिटक है उसको पांच निकायों में बांटा गया और इसमें एक निकाय आपके सामने जिसका नाम है संयुक्त निकाय एक अंगुत्तर निकाय आप लोगों ने पढ़ा एक दीर्घ निकाय है एक खुदक निकाय है एक मध्यम निकाय इतनी कठिन कठिन शब्दावलियां भी याद कर लीजिए जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद हो सकती है तो ये जो संयुक्त निकाय है संयुक्त निकाय में अजात शत्रु एवं प्रसेंद के बीच हुए संघर्षों का व्यापक विवरण मिलता है इन दोनों के बीच में क्या हुआ त्रु ये मगध का शासक था और यह कोसल कौशल था इनके बीच में हुए किसका वर्णन मिलता है फाइट या संघर्ष या स्ट्रगल का वर्णन मिलता है प्रसेंन जीत ने अजाज शत्रु से समझौता कर लिया था कहते हैं कि अजाज शत्रु जो एक तरीके से मगध का राजा था जिसके पिता का नाम बिंबसार था तो अजाज शत्रु ने इस प्रसें के ऊपर आक्रमण किया आक्रमण किया तो प्रसेंदीत की स्थिति थोड़ा सा कमजोर बनी होगी तो ने ऑफर किया होगा कि भाई समझौता कर लीजिए संधि कर लीजिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका भी नुकसान होगा हमारा थोड़ा ज्यादा होगा तो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और इस समझौते में क्या होता था उस समय उसने अपनी पुत्री बाजरिया का विवाह अजाज शत्रु से कर दिया तो एक यहां पे एक पुत्री का नाम आ रहा है वाजिरा याद रखिएगा वाजिरा ये किसकी पुत्री है ये कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री है और मुझे लगता है इसी वाजिरा के लिए ही इस आजाद शत्रु ने अटैक ही किया था इसी वाजिरा के लिए अटैक ही किया था जैसे जो बिंबसार था बिंबसार ने भी इस प्रसेनजित के ऊपर आक्रमण किया था समझिए आप इस बात को समझिए जैसे ये कोसल है वर्तमान में जो अवध का क्षेत्र है यहाँ का मुख्य राजा कौन है यहाँ का मुख्य राजा प्रसेंदीत है और इसकी दो राजधानी है कोसल की उत्तरी और दक्षिणी जो हमने आपको बताया अब यहाँ का जो प्रसेंदित नामक शासक है इसका दो शासकों से संघर्ष होता है एक का नाम है बिंबसार और कालांतर में इसका पुत्र आता है बिंबसार का जिसका नाम है अजाज शत्रु जब ये शासक बनता है अजाज शत्रु तो इन दोनों से क्या होता है संघर्ष होता है और ये दोनों कहाँ के शासक हैं ये दोनों मगध के शासक हैं पिता पुत्र हैं आप लोग जानते ही होंगे हर एक वंश के शासक हैं ये मगध इनकी राजधानी है तो ये जो देखो हमने लिखा है बिंबसार बिंदुसार नहीं लिखा बिंदुसार लिख देंगे तो वो किसका पुत्र हो जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हो जाएगा और बिंदुसार का ही पुत्र कौन है बिंदुसार का ही पुत्र अशोक है तो वो सम्राट है ये हरियक वंश का शासक है बिंबसार। ध्यान रखिएगा थोड़ा शब्दावली में थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी वास्तव में पहले हम भी देखते थे आप लोगों की उम्र के थे तो लिखा रहता था उस पर ध्यान नहीं देते थे लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसी घटना हुई सावधानी हटी दुर्घटना घटी ऐसे हाथ में मोबाइल लेके आ रहे थे छीन लिया और वो सामने लेके चला जा रहा है दिल्ली में स्नैचिंग खूब होती है क्यों चूंकि ऐसे हाथ में लिए हुए थे शायद पाकिट में रखे होते है और मोबाइल क्या होती है मोबाइल जान होती है मतलब जहान होती है सारी दुनिया कैद होती है और वो भी आजकल बिना मोबाइल के क्या हो सकता है सारी सारी चीजें तो मोबाइल में आ रही हैं सारा पीडीएफ आपका मोबाइल में भरा हुआ है कैसे काम चल सकता है बताइए तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो यहां पे समझिए ये जो बिम्बसार और अजात शत्रु है इस बिम्बसार ने इस प्रसेंदन जीत के ऊपर आक्रमण किया तो ये जो प्रसेंद जीत है यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं ये जो प्रसेन जीत है इसके बारे में देखिए प्रसेन जीत की एक बहन है और एक पुत्री है आप इसको समझ लीजिएगा इस बहन का नाम है महाकोसला इस बहन का नाम है क्या महाकोसला और इस पुत्री का नाम क्या है इस पुत्री का नाम है वाजिरा और दोनों अप्सरा हैं बहन भी और पुत्री भी अब देखो बहन को किसने प्राप्त किया बहन को पिता ने प्राप्त किया इस बिंबसार ने इस प्रसेनजीत के ऊपर आक्रमण किया और इसकी बहन को प्राप्त कर लिया और इसके साथ में ब्याह कर लिया अब ये जो अजात शत्रु है ये इसी बिंबसार का बेटा है और अजाज शत्रु ने अपने बगनखे से या अपने चापर से इसके ऊपर वार किया और इसका खात्मा कर दिया राजा बन गया जानता था कि इसकी पुत्री है सुंदर है अप्सरा के समान है तो फिर इसने क्या किया प्रसेंजित के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण किया तो ये पराजित भी हो गया तो इस प्रसेन जीत में और इस में एक संधि हुई और इस संधि में बाजरा केंद्र बिंदु थी बाजीरा अब किसको मिल रही है बाजिरा अब अजात शत्रु को मिल रही है तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा बहन और पुत्री की बात खास करके ध्यान में रखिएगा इसी में प्रॉब्लम होती है ठीक तो ये रहा भैया आपका कौशल महाजनपद ये रहा आपका कौशल महाजनपद अब अगला जो का से नाम आता है वो कुरु महाजनपद छोटा सा महाजनपद है और वर्तमान में ये जो कुरु महाजनपद है इसका जो एरिया है इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है भैया ये मेरठ का है ये दिल्ली का है और थानेश्वर ये थानेश्वर कहाँ है कोई बता सकता है थानेश्वर कहाँ है मतलब यूपी में है पंजाब में है या हरियाणा में है या राजस्थान में है जल्दी से बताइए विकल्प आपके सामने ये थानेश्वर कहाँ है उत्तर प्रदेश में है क्या ये थानेश्वर यूपी में है या बिहार में है या राजस्थान में है या हरियाणा में है कहाँ पे है भाई सभी गाड़ियों का कोड यहां पे लिखा हुआ है कहां पे है भाई अमन बताइए कहां पे है ये जल्दी से बताइए हम्म? ये कहां पे है भाई यह पे स्थित है यह कहां पे स्थित है हम्म तो थानेश्वर में स्थित है यही तो थानेश्वर आगे चल के हर्षवर्धन की राजधानी है और राजधानी यहीं से अपनी स्थानांतरित करके हर्षवर्धन राजधानी कन्नौज भी बना लेता है यह भी ध्यान रखिएगा कौन सी राजधानी बना लेता है कन्नौज भी हर्षवर्धन अपनी राजधानी बना लेता है यह भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कन्नौज अपनी राजधानी को बना लेता है कन्नौज आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये थानेश्वर कहा है भैया ये थानेश्वर हरियाणा में है एचआर भूभागों पर कुरु महाजनपद स्थित था बुद्ध के समय यहाँ का शासक कोरव्य था थोड़ा कठिन नाम है हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में पड़ता था हस्तिनापुर महाभारत युग में आप लोग देखते होंगे हस्तिनापुर जो नगर था वो कहाँ पड़ता था वो इसी राज्य में तो पड़ता था ठीक आगे बढ़ते हैं अगला महाजनपद आपके सामने पत्थ महाजनपद इसकी राजधानी क्या है भैया इसकी राजधानी है कौसाम्बी और कौसाम्बी को कोसम के नाम से भी जाना जाता है कौसाम्बी को किसके नाम से जाना जाता है कौसाम्बी को कोसम के नाम से भी जाना जाता है ये भी ध्यान रखिएगा यह यमुना नदी के किनारे स्थित है वत्स्य महाजनपद बुद्ध के समय यहाँ का शासक पौरव उदयन था वत्स राज उदयन इसका पूरा नाम आता है क्या है उदयन है इसका शासक एक बार उदयन को अवंती के शासक प्रद्योत ने बंदी बना लिया था मतलब यहां पे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा अवंती और वत्स में संघर्ष था जैसे कोसल और मगध में ज्यादा आपस में संघर्ष था वैसे वत्स और अवंती में संघर्ष था यहां पे देखिए ध्यान से ये जो उदयन है उदयन ने अवंती के राजा प्रद्योत को चंड प्रद्योत वही है चंड प्रद्योत जिसको आपने पढ़ा इसको बंदी बना लिया था उदयन को अपनी पुत्री वासवदत्ता का संगीत का शिक्षक नियुक्त किया था उसने उदयन को अपनी पुत्री वासवदत्ता का संगीत का शिक्षक नियुक्त किया था परंतु दोनों के बीच प्रेम हो गया किसके बीच में वासुदत्ता के बीच में प्रेम हो गया और उदयन के बीच में प्रेम हो गया और उदयन ने वासव दत्ता के साथ कहा आ गया था कौसांबी आ गया था तो उदयन वासव दत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन कालिदास ने भी किया है ये भी ध्यान रखिएगा कालिदास ने भी इनकी प्रेम कहानी का वर्णन किया है इसके बाद में एक बात और देखिए यहां पे एक बार क्या हुआ इसी कहानी को आधार बनाकर भास ने सॉरी कालिदास ने नहीं सॉरी कालिदास ने नहीं भास ने भास ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था स्वप्न इसमें स्वप्न में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है किसके प्रणय का वर्णन है तो उदयन और वासवदत्ता की वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है ये वासवदत्ता अप्सरा से कम नहीं है ये भी ध्यान रखिएगा उदयन कहां आ, का राजा है उदयन का राजा है ठीक स्वप्नवासोदत्ता हर्ष की रत्नावली एवं प्रियदर्शिका इन तीन नाटकों का क्या है इन तीनों नाटकों का नायक है ये उदयन एक दो नाटक का नहीं तीन तीन नाटक का नायक है मतलब एक तरीके से ये भी कन्हैया के दूसरे रूप थे उदयन साहब कई नाटक के नायक मतलब कई इनकी प्रेयसी थी कई इनकी प्रेमिकाएं थी ये देखो हर्ष ने भी एक ग्रंथ लिखा था हर्ष मतलब हर्षवर्धन से रत्नावली इसका भी नायक यही है और प्रियदर्शिका भी लिखा और प्रियदर्शिका का भी नायक यही है ध्यान रखिएगा पत्स महाजनपद जो है वो सूती वस्त्रों की खान के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था यमुना एवं सोन नदियों के बीच स्थित भर्ग या भग संघ वत्सों के अधीन थे एक संघ होते थे छोटे-छोटे ये पूछ सकता है आपसे भर गया भग्ग संघ एक बार पूछा भी है मुझे लगता है यूपीएससी में मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि किस साल में पूछा है लेकिन ये प्रश्न पूछा है भग्ग संघ कहाँ स्थित था तो यमुना एवं सोन नदी के बीच में विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित था और इसी वत् महाजनपद का अधिकार था इस पर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं एक मुझे कथा याद आ रही है शायद यहां पे छूटी है एक बार क्या हो गया यहां पे मैं आपको बताता हूं एक बार जो अवंती के राजा थे अवंती के राजा और अवंती के राजा का नाम था प्रद्योत चंड प्रद्योत पूरा नाम था तो आप लोग देखेंगे तो अवंती के राजा जो चड चंड प्रद्योत थे इनको एक रोग हो गया था जिसका नाम था पीलिया यानी जांडिस नामक रोग हो गया था तो जो मगध का शासक था और मगध का शासक था बिंबसार ठीक ये कहाँ का शासक था ये मगध का शासक था ध्यान से समझिएगा इस बात को मगध इस अवंती का क्या था इस अवंती का कहीं ना कहीं दुश्मन था इसमें फाइट होती थी इसमें इसमें यानी बिंबसार दुश्मन था किसका प्रद्योत का लेकिन दोस्त भी होते हैं ये ये जो राजा लोग होते हैं जो राजनेता लोग होते हैं ये आपस में दोस्त भी रहते हैं ये भी ध्यान रखिएगा तो वैसे तो राजनीतिक रूप से इन लोगों में फाइट चल रही है लेकिन जब ये जो प्रद्योत है इस प्रद्योत को क्या हो गया था इस प्रद्योत को एक रोग हो गया था जिसका नाम था जॉन्डिस अब ये जो जॉन्डिस का मतलब होता है क्या जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया इसी को क्या बोलते हैं इसी को जलोदर भी बोलते हैं वरुण याद आ रहा है ना वरुण देवता कल हमने आपको पढ़ाया था जलोदर अगर कोई दुष्ट व्यक्ति धरती पर होता था और वरुण देवता उसका अंत करना चाहते थे तो जलोदर रोग से वरुण देवता उसको पीड़ित कर देते थे बस काम खत्म तो जब चंड को जलोदर रोग हो गया पीलिया रोग हो गया यह बड़ा खतरनाक रोग होता है बहुत कम ही लोग इसमें बसते हैं तो यह जो बिंबसार था बिंबसार इस समय मगध का शासक था और इसके दरबार में एक राज्य बैद रहता था और उस राज्य वैद्य का नाम क्या था उस राज्य वैद्य का नाम था जीवक और जब जाना कि ये जो प्रद्योत हैं इनकी स्थिति सही नहीं है तो अपने राज्य वैद्य रॉयल फिजिशियन कहा जाता है राज्य वैद्य को क्या कहा जाता है रॉयल फिजिशियन तो अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को सेंट किया था किसके दरबार में प्रद्योत के दरबार में कि जाओ और इनका जलोदर रोग या जांडिस रोग ठीक कर दो तो ये दुश्मनी होने के बावजूद भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीवक गया और प्रद्योत की जो जलोदर की बीमारी थी जो पीलिया की बीमारी थी इसको ठीक कर दिया था तो किसने सेंट किया बिंबसार ने किसको ये रॉयल फिजिशियन जीवक को सेंट किया ये पहला रॉयल फिजिशियन है जिसका इस तरीके से व्यापक उल्लेख आपको मिल रहा है ये भी ध्यान रखना है डॉक्टर है ये डॉक्टर रॉयल फिजिशियन है जीवक और किसका राज्य वैद है बिंबसार का है किसका राज <laughs> किसका राज है बिंबसार का है ठीक अवंती किसकी गर्लफ्रेंड थी हम्म hmm. तो खूब करते हैं आप लोग अगला महाजनपद आपके सामने है और यह महाजनपद इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है पंचाल महाजनपद गुरु के बाद में पंचाल महाजनपद आता है यही वो महाजनपद है जहां की वर्तमान की प्रियंका चोपड़ा विश्व सुंदरी रह चुकी वही महाजनपद है ये पंचाल महाजनपद ये वही की हैं प्रियंका चोपड़ा हम्म ठीक तो ये जो पंचाल महाजनपद है इसकी दो राजधानियां हैं एक है उत्तरी और एक है क्या दक्षिणी उत्तरी राजधानी है अहिछत्र थोड़ा कठिन नाम है ध्यान रखना और दक्षिणी राजधानी है कामपिल वर्तमान में ये जो पंचाल महाजनपद है इसका क्षेत्र ये कहाँ स्थित है ये आधुनिक रोहेलखंड में स्थित है और रोहेलखंड में मुख्यतया कौन जिले आते हैं ये बरेली आता है इसी बरेली की प्रियंका चोपड़ाए ये बदायूं आता है थोड़ा सांप्रदायिक स्थिति यहाँ की विवादित रहती है और ये फरूखाबाद है इसी फरूखाबाद से तो शायद कैप्टन सतीश शर्मा पहले कुछ समय तक रायबरेली से चुनाव लड़ते थे और फिर यहाँ से शायद चुनाव लड़ने लगे फरूखाबाद से कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे हैं भी अभी फर्रूखाबाद और यहाँ पे आलू खूब होता है आलू हमको पुर्तगालियों ने दिया था हमारे पास आलू भी नहीं थी टमाटर भी हमको दिया तो और कान कुब्ज कन्नौज नगर कन्नौज नगर जिसको कान कुब्ज के नाम से जानते हैं ये इसी में पड़ता था आप देखो यहां का एक शासक है जिसका नाम है चूलानी ब्रह्मदत्त यहाँ का मुखिया है पंचाल का एक मुख्य शासक है जिसका नाम है चूलानी ब्रह्मदत्त ध्यान रखिएगा इस शासक को थोड़ा कठिन नाम है तो ये हुआ आपका पंचाल महाजनपद अब आगे दो महाजनपद इकट्ठा हम लोग पढ़ते हैं एक है मगध एक है मत्स्य और एक और महाजनपद है तो सबसे पहले मत्स्य के पास पहुंचते हैं मत्स्य महाजनपद मत्स्य महाजनपद की जो कैपिटल थी उसका नाम क्या था उसका नाम था विराट नगर उसका नाम था विराट नगर मगध महाजनपद की मत्स्य महाजनपद की मत्स्य महाजनपद की जो कैपिटल थी उसका नाम क्या है उसका नाम है विराट नगर और ये मत्स्य महाजनपद आधुनिक किस क्षेत्र में आता है जयपुर में आता है जयपुर और अलवर का क्षेत्र है जयपुर और अलवर का क्षेत्र है इसका संस्थापक कौन था इस मत्स्य महाजनपद का संस्थापक विराट था महाभारत युग में इसका नाम आता है राजा विराट का नाम आता है ध्यान रखिएगा अगला महाजनपद है सूरसेन ये हम लोग चलते हैं अब मथुरा वृंदावन देर हो गया राजनीतिक इतिहास पढ़ते पढ़ते थोड़ा धर्म की तरफ हम लोगों का रुख होना चाहिए क्यों तो सभी को राधे राधे हमारी तरफ से चलते हैं मथुरा वृंदावन मथुरा वृंदावन जब मथुरा स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो फिर राधे, राधे 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 और इनका तिलक बड़ा प्यारा लगता है और इनके जो वस्त्र होते हैं चाहे वो महिलाओं के वस्त्र हो चाहे पुरुषों के वस्त्र हों और जो तिलक होता है इनका पूरे मस्तक पर पूरे ललाट पर इनका तिलक होता है तो वास्तव में देखने लायक होता है तो ये सूरसेन जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है मथुरा यहां का शासक चंड प्रद्योत की कन्या का पुत्र अवंती पुत्र था वह बुद्ध का शिष्य था और उसी के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है मथुरा है इस बात का ध्यान रखिएगा और मत्स्य की विराट नगर इसके बाद में और कौन सा महाजनपद बचा भाई चेदी महाजनपद नाम थोड़ा कठिन है और इसकी भी इसकी भी जो राजधानी है उसका नाम है सो थीवती या शक्तिमती और ये चेदी महाजनपद कहाँ था चेदी महाजनपद बुंदेलखंड में था जो आल्हा उदल का एरिया है जिनका पृथ्वीराज से युद्ध हुआ था और बुंदेलखंड में आप लोग देखते होंगे तो उत्तर प्रदेश के कई जिले आते हैं जैसे झांसी है उरई है महोबा है जालौन है ये सब जिले आते हैं तो ये बुंदेलखंड का एरिया है ध्यान रखना और ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है महाभारत काल में यहां का शासक शिशुपाल था ध्यान रखिएगा यही का शासक शिशुपाल था ना जिसका अंत आप लोगों ने देखा होगा कि कन्हैया ने किया कन्हैया के सामने उपस्थित हुआ और एब्यूज लैंग्वेज का प्रयोग करने लगा तो इसको आशीर्वाद मिला था शिशुपाल को कि जब तक ये कन्हैया को सौ गाली नहीं देगा तब तक शायद कन्हैया इसका बद नहीं करेंगे यह बात आप लोग देखते होंगे कि तो उस महाभारत में जो वीडियो में दिखाया जाता है उसमें ये है भी नाराज होते हैं कृष्ण भगवान और उनके सखा वो भी नाराज होते हैं कि हम हम आपके पहले इसकी हत्या कर देंगे की। लेकिन उनके पास तो भाई सुदर्शन चक्र था तो जब सौ गालियां पूरी हो गई तो कन्हैया ने कहा बस शिशुपाल रुक जाओ लेकिन तुरंत 101 नंबर की गाली पे आए अरे भैया फला तू ऐसा है तू वैसा है तू ये है तू वो है चल गया सुदर्शन चक्र और गला साफ इसे बरदान दिया था किसी ऋषि मुनि ने इसको शिशुपाल को और इसी का बद्र किसने किया था कृष्ण भगवान ने किया था किसने किया था कृष्ण भगवान ने किया था तो ये चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है सोथीवती या सुक्तिमती एक और महाजनपद है जिसका नाम है आपके सामने काम्बोज जिसका नाम क्या है जिसका नाम है काम्बोज तो काम्बोज के लिए तैयार हो जाइए आप सभी लोग काम्बोज इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी यह है गंधार का पड़ोसी राज्य था गंधार की राजधानी तकशिला है अभी आपको पढ़ाएंगे तो गंधार का ये पड़ोसी राज्य था और उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित था यह काम्बोज अपने घोड़ों के लिए पूरे विश्व में विख्यात था प्राचीन काल में लंबे रेस वाले घोड़े जिनमें रफ्तार होती थी जिनमें तेज होता था आवाज निकालते ही हवा का रुख ले लेते थे ऐसे घोड़े पाए जाते थे इस कंबोज में वस्तुतः कंबोज एक राज्य था परंतु कौटिल्य ने कंबोजों को वास्त्रा शस्त्र पजोबी संघ कहा है मतलब ये जो कंबोज हैं, इसमें वार्ता शस्त्र पजोबी मतलब कृषि व्यापार और वाणिज्य ये तीनों करने के लिए कहा है और ये जो काम्बोज है ये मुख्यतः कहाँ पड़ता है ये अफगानिस्तान में पड़ता है अफगानिस्तान की सीमा भारत से मिलती है चौवन किलोमीटर या एक कुछ किलोमीटर एक है क्या ऐसे कुछ किलोमीटर सीमा भारत की मिलती और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की ही भारत से मिलती है. भारत की सबसे कम सीमा मिलती है. सबसे ज्यादा बांग्लादेश से मिलती है ठीक ध्यान रखिएगा इस बात का भी और एक महाजनपद है गंधार महाजनपद गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी तक्षशिला गंधार काबुल घाटी में स्थित था कहां पे काबुल? यानी यह भी अफगानिस्तान में स्थित था और इसी की राजधानी तक्षशिला थी यहीं पे तक्षशिला विश्वविद्यालय आपको कुछ समय बाद में मौर्यों के समय में मिलेगा जो शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र के रूप में है एक और महाजनपद है जिसका नाम है बद्जी महाजनपद इसकी राजधानी क्या है वैशाली और आधुनिक बसाड़ से इसकी तुलना की जाती संघ के साथ साथ लिच्छवियों की भी राजधानी थी ये जो वैशाली थी यह बजी संघ के साथ साथ लिच्छवियों की भी राजधानी थी यह आठ जनों अठ कुलिक का था जन आप लोगों ने पढ़ा ना अठ कुलिक जन वैदिक युग में आपने जन नामक राजनीतिक इकाई को पढ़ा जन से जनपद बना और महाजनपद बना तो आठ जन मिलके इस महाजनपद का निर्माण करते थे इसी को अठ कहा जाता था वैशाली की पहचान आधुनिक बसाड़ से की जाती है यह मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है मुजफ्फरपुर लिखा है मुजफ्फरनगर नहीं तो मुजफ्फरपुर कहाँ स्थित है आधुनिक बिहार में स्थित है और बिहार का जो मिथिलांचल वाला एरिया है बिहार का जो मिथिलांचल वाला एरिया है वही बज्जी महाजनपद के रूप में विख्यात है जहां की लीची आप लोग एक फल है अत्यंत प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर की लीची भोजपुरी गानों में भी आप लोग सुनते होंगे इसके अलावा एक जनपद है मल्ल ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको पढ़िए यह भी दो भागों में बटा था उत्तरी मल और दक्षिणी मल्ल उत्तरी मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर और दक्षिणी मल्ल की राजधानी क्या थी दक्षिणी मल्ल की राजधानी पावापुरी कुशीनगर पावापुरी यह महाजनपद कहां स्थित इस था इसकी लोकेशन क्या थी तो यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था मल्ल महाजनपद यानी नेपाल की तराई का एरिया है इसके दो भाग थे एक की राजधानी कुशीनगर और कुशीनगर को वर्तमान में कसया के नाम से जाना जाता है यही आपसे पूछेगा कुशीनगर को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है हालांकि जिला है लेकिन उस समय एक क्षेत्र था वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर उस समय एक क्षेत्र के रूप में था और कसिया के नाम से जाना जाता था और दूसरे की राजधानी थी पावा और पावा को वर्तमान में पद सेना के नाम से जाना जाता था उस समय जाना जाता था मल्ल गणतंत्र नौ कुलों का एक समूह था जो शुरुआत में एक राज्य के रूप में था ध्यान रखिएगा कुलों का एक समूह था अब सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपके सामने है इसका नाम है मगध महाजनपद जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद सोलह महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली यही हुआ अंत में यही राज्य के रूप में स्थापित होता है सभी महाजनपदों को इसी में मिला लेता है मगध महाजनपद वर्तमान में पटना गया और शाहबाद जिले के क्षेत्र में पड़ता है जो मगध महाजनपद था यह आधुनिक पटना यानी पाटलिपुत्र शाहबाद और शाहबाद के अलावा गया जिला यह भी पाटलिपुत्र यह पटना से लगता ही है गया कोई बहुत दूर नहीं है नालंदा और गया ये सब अब इस राज्य के उत्तर में गंगा नदी बहती थी पश्चिम में सोन नदी ध्यान रखिएगा देखिए ध्यान से ये मगध राज्य के उत्तर में गंगा नदी उत्तर में गंगा नदी है उत्तर में क्या है उत्तर में यहां पे गंगा नदी है ठीक पश्चिम में सोन नदी है ध्यान रखिएगा पश्चिम में सोन नदी पूरब में चंपा नदी है पूरब में चंपा नदी है और दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ी स्थित है देखिए चारों तरफ से रक्षा प्राचीरों से घिरा घिरा हुआ है और प्राकृतिक रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ है मगध एक बार फिर से जो मगध था मगध के उत्तर क्षेत्र में कौन सी नदी स्थित थी गंगा नदी स्थित थी देखिए फिर से देखिए इसको मगध ये है आपका मगध इसके उत्तर में कौन सी नदी स्थित है आपसे पूछेगा प्रश्न गंगा स्थित है पश्चिम में कौन सी नदी स्थित है सोन नदी स्थित है पूर्व में कौन सी नदी स्थित है चंपा चंपा ये अंग महाजनपद की राजधानी भी थी और दक्षिण में कौन सी नदी नदी नहीं है विंध्याचल की पहाड़ी स्थित है विंध्याचल की पहाड़ी स्थित है अब आगे इसके सक्सेस का मूल मंत्र यही होगा इसके सक्सेस का मूल मंत्र इसकी चौहद्दी ही है प्राकृतिक रूप से चारों तरफ से जल दुर्ग के रूप में है विद्यमान जल दुर्ग के रूप में यह विद्यमान है ध्यान में रखिएगा देखिए आप गंगा नदी है सोन नदी है और चंपा आप पूछ लेगा आपसे मान लो या एक नक्शा बना के इस तरीके से दे दिया तो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाना मान लो एक नक्शा बना के पूछ लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उत्तर दे पाना ठीक तो इसको देखिए थोड़ा सा आगे और दूसरे रूप में अब देखिए यह है आपका मगध उत्तर में गंगा नदी पूर्व में चंपा नदी पश्चिम में सोन नदी और ये बिंध्य पर्वत स्थित है ये बिंध पर्वत स्थित है ठीक आइए देखिए ऋग्वेद में वर्णित कीकट एक कीकट का उल्लेख मिलता है कीकट का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है कीकट का तादात्म मगध से ही लगाया गया है मगध का उल्लेख अथर्ववेद में भी हुआ है दो तो महाजनपदों का उल्लेख अथर्ववेद में होता है एक मगध और एक अंग महाजनपद का किसमें उल्लेख मिलता है अथर वेद में मिलता है और ऋग वेद में एक स्थान का वर्णन मिलता है जिसका नाम है कीकट और कीकट का इसी मगध से तादात्म स्थापित किया जाता है यह मगध की राजधानी क्या है गिरिब्रज या राजगीर इसकी राजधानी है और कालांतर में इस और इसकी राजधानी परिवर्तित हो गई और परिवर्तित होकर इसकी राजधानी क्या बनेगी इसकी राजधानी बनेगी पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनेगी ठीक और कोई महाजनपद बचा या सोलह महाजनपद हो गए हां सोलह शोला 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 तो एक तरीके से क्या हुआ एक तरीके से आपके सोलह महाजनपद पूरे हो चुके हैं ठीक ना सोलह महाजनपद आपके पूरे हो चुके हैं तो सोलह महाजनपदों का इतिहास हमने पढ़ा एक एक करके क्या किस महाजनपद की राजधानी है कौन किस नदी के बीच में स्थित है उसकी खास विशेषताएं क्या हैं, वहां का राजा कौन है इसका अध्ययन हम लोगों ने व्यापक रूप से किया आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अन अकेडमी हिस्ट्री बाई संजीव पांडे के नाम से वहीं पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आप लोग पढ़ लीजिएगा और कल हम लोग मगध के उत्कर्ष को पढ़ेंगे ठीक यहीं से आगे बढ़ेंगे महाजनपद से आगे ही बढ़ेंगे लेयर बाय लेयर ही अध्ययन करेंगे हम लोग प्राचीन भारत का निश्चिंत रहिए आप सभी लोग एक बात आप लोगों को और बताना चाह रहा हूं कि अभी आठ बजे एट पीएम पे हमारी अन के ऐप पर फ्री लाइव क्लास होगी और इसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा इसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का अध्ययन कर रहे हैं प्रश्नोत्तर शैली में कर रहे हैं लिंक में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोगों को आना है आठ बजे से एक क्लास आप लोगों के बीच में होगी ठीक और अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं कुछ पूछना है बताइए ठीक तो मिलते हैं आठ बजे की क्लास में आन अकेडमी के ऐप पर आठ बजे भी एक क्लास होगी और आठ एक नौ और एक दूसरी क्लास साढ़े दस बजे से होगी दो क्लास होगी अभी एक दूसरी क्लास क्या होगी दूसरी क्लास साढ़े दस बजे की होगी दोनों क्लास एक एक घंटे की होगी आराम से अध्ययन किया जाएगा ठीक एक क्लास आठ बजे से और एक क्लास साढ़े दस बजे से आज ही होगी चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास के लिए मिलते हैं अन के ऐप पर साढ़े बजे हाँ नहीं पूछना हो तो इंद्रजीत पूछ लीजिए बाकी शुक्रिया तो ऑलरेडी है हमारी तरफ से आप लोगों को पढ़ाई कीजिए जम के पढ़ाई कीजिए कुछ भी पूछना है कहीं कोई डाउट होता है मेरा नंबर आप लोगों के पास है व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लिया कीजिए मैं रिप्लाई अक्सर दे दिया करता हूँ हाँ थोड़ा हो सकता है समय लगे तो इसमें परेशान नहीं होना है और प्राचीन भारत में केवल और केवल एनसीईआरटी का अध्ययन कीजिए आप लोग जो आर एस शर्मा साहब की एनसीआरटी है कुछ न्यूली एनसीआरटी भी पढ़ सकते हैं उसको भी पढ़ सकते हैं पहले आर एस शर्मा को पढ़ लीजिए ठीक है ना तो चलिए धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास के लिए अच्छा आठ बजे की जो क्लास होगी उसमें आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे धीरेन्द्र ठीक है ना और यूरोपीय कंपनियों के आगमन का अध्ययन करेंगे आठ बजे और साढ़े दस बजे दोनों ठीक